بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته। आप लोगों तक स्लाइड्स और आवाज सही आ रही है? दोनों चीजें सही आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए जी शुरू करते हैं। हमारा लेसन है क्यूसी 5। हम अपने क्यूसी सीरीज के जो फॉर्मल कोर्सेज हैं उनमें से आखिरी कोर्स पर हैं, क्यूसी 5 यानी कुरान कोर्स 5। इसमें हम सूरतुल बकरा में से पहले पारे का आखिरी रुबो कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, और इसके साथ हमारा पहला पारा मुकम्मल हो जाएगा। और साथ ग्रामर में हम नहव के असबाक पढ़ रहे हैं। तो कुरान के हिस्सों में से आज हमने दो हिस्से पढ़ने हैं, 17A और 17B। 17A में हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 113 पढ़ेंगे, 113। हमने कोर्स 2 से मुसहफ से पढ़ना शुरू किया था। पहले 5 सफात हमने कोर्स 2 में पढ़े थे जिसके मेन टॉपिक था हिदायत, और हिदायत में फिर मुत्तकीन काफिरीन मुनाफिकीन की बात आई और आदम अलैहिस्सलाम का मुख्तसर जिक्र। फिर कोर्स 3 के अंदर बनी इसराइल का तज़किरा था, कोर्स 4 में भी बनी इसराइल का ही जिक्र रहा। अब हम कोर्स 5 में हैं जिसके पेज नंबर 16 और 17 और 18 का भी कुछ हिस्सा जो है वो बनी इसराइल के बारे में है, और उसके बाद हम बनी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात करेंगे इंशाअल्लाह। हम अपने हाथ की उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं पॉइंटर्स और इशारात को याद करने के लिए। हम बायां हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं। 17वां सफ़ा है और इसके इशारे हैं, ये आएगा हमारी बाएं हाथ की इस उंगली पर, इसको क्या कहते हैं, रिंग फिंगर पर। तो ये आएगा यहूद व नसारा लड़े आपस में, जालिम रोके मस्जिद से, ईसाई बनाए बेटा अल्लाह का, बे इल्म कहें बात करे अल्लाह। यहूद व नसारा लड़ें आपस में, जालिम रोकें मस्जिद से, ईसाई बनाएं बेटा अल्लाह का, बे इल्म कहें बात करे अल्लाह। मुख्तसर इशारे बनेंगे, यहूद व नसारा जालिम ईसाई बे इल्म, यहूद व नसारा जालिम ईसाई बे इल्म। पहला इशारा है यहूद व नसारा लड़ें आपस में। इससे पहले अल्लाह ने यहूद व नसारा के इस दावे का जिक्र किया था कि वो कहते थे कि सिर्फ जन्नत में वही लोग जा सकते हैं जो या तो यहूदी हों या ईसाई हों। क्या था, लन यदखुल अलजन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नसारा, जन्नत में तो कोई भी नहीं जा सकता सिवाय उसके जो यहूदी है या नसरानी। तो अब अल्लाह ताला खुद उनके आपस के इख्तलाफात को बयान फरमा रहे हैं कि यहूदी और ईसाई, अगरचे उनका दावा यह है कि या तो जन्नत में यहूदी जा सकते हैं या ईसाई, यहूदियों या ईसाइयों में से ही होगा तो जन्नत में जाएगा, लेकिन अब आपस में खुद यहूदियों का ईसाइयों के बारे में क्या ख्याल है और ईसाइयों का यहूदियों के बारे में क्या ख्याल है, इस बारे में अल्लाह सुबहान व तआला बता रहे हैं। तो सबक क्या है इस एक आयत में हमारे लिए, कि यहूद व नसारा आपस में एक दूसरे का ये कहकर मजाक उड़ाते थे कि तुम्हारे पास तो कोई सच्चाई है ही नहीं, सच तो हमारे पास है। और यहूद व नसारा के इख्तलाफात को देखकर आम इंसान भी सोचने और बोलने लगता कि वो इन यहूद व नसारा से बेहतर है। आखिरत के दिन अल्लाह ताला फैसला करेगा कि कौन सही था। और सबसे अहम कि हमें दूसरों की गलतियों पर निगाह करने की बजाय अपने अमाल की फिक्र करना चाहिए और अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए। अब इन्हीं आयात और इन्हीं असबाक को हम अगर आज के दौर में आपस में मुसलमानों पर रखें तो हमारा भी दावा होता है कि जन्नत में तो सिर्फ मुसलमान जाएंगे, और फिर मुसलमानों के अंदर अगर हम देखें तो इतने सारे जो है वो डिविजन्स हो चुकी हैं, तो हर एक दूसरे के बारे में यही सोच रहा होता है कि हम तो जाएंगे ये नहीं जाएंगे, ये तो जाएंगे हम नहीं जाएंगे, या कुछ इस तरह की चीजें चल रही होती। और एक थर्ड पर्सन जो है मुसलमान नहीं है वो देखता है तो वो कहता है कि इससे तो बेहतर है कि हम मुसलमान नहीं। अनफॉर्चुनेटली के मुसलमान मतलब कई लोग जो गैर मुस्लिम हैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार होते हैं, अब उनको ये फिक्र पड़ती है कि इस्लाम कबूल करें तो क्या करें, किस तरफ जाएं। तो सेम सिचुएशन थी यहूद व नसारा के बारे में भी। अल्लाह ताला हम सबको
इन आयात से सबक लेकर समझने की तौफीक अदा फरमाए। इस आयत में दो नए लफ्ज होंगे, बाकी सारे अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पढ़े हुए हैं। हमारा पढ़ने का अंदाज इसी टू से ही चला आ रहा है कि हम पहले तिलावत सुनते हैं, उसके बाद वहाँ तर्जुमा, फिर एक एक लफ्ज का तर्जुमा, उसके साथ शरा और फिर ग्रामर देखते हैं। तो आइए तिलावत से हम शुरू करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم صدق الله العظيم। और यहूदियों ने कहा कि ईसाई किसी चीज पर नहीं है, और ईसाइयों ने कहा कि यहूदी किसी चीज पर नहीं है, हालांकि वो सब किताब पढ़ते हैं। और इसी तरह उन लोगों ने भी कहा कि जो इसी तरह उन्हीं की बात की तरह की बात की उन लोगों ने जो कुछ इल्म नहीं रखते। लफ्ज बलफ्ज देखिए, वकालत वाओ और कालत दो लफ्ज हैं। कालत हुआ काला या कालत, उसने कहा अल यहूदु यहूदियों ने। किसी फोर में हम पढ़ चुके हैं कि जब जमा मुकसर आए तो उसके साथ फिर फेल या जमीर या इशारा वाहिद मोनस वाला आता है। तो अल यहूद जो है यहाँ पर यहूदी की जमा अल यहूद इस्तेमाल हुआ है, इसलिए कालत वाहिद मोनस फेल आया है। लैसत नसारा अला शैइन, लैसत लैसा लैसत हुआ लैसा हिया लैसत, लैसा का माना नहीं है। अन नसारा नसरानी की जमा नसारा, अला शैइन किसी चीज पर, लैसत नसारा अला शैइन किसी चीज पर नहीं है, यानी उनके पास कोई दलील नहीं है हक पर होने की। और सेम बात कही वकालत नसारा और ईसाइयों ने कहा लैसत यहूद अला शैइन, यहूदी किसी चीज पर नहीं है। वहुम यतलून अल किताब, वाओ के इससे पहले हम माने पढ़ चुके हैं, वाओ का एक माना हमने पढ़ा था और यहाँ पर वाओ का माना आ रहा है हालांकि, एक और तीसरा माना है वाओ का, वो क्या है किसी को याद है? कसम, कसम, कसम वाला। वल असर हमने पढ़ा था क्यूसी वन में जमाने की कसम। तो वाओ तीन मानों में हमें नजर आएगा, वाओ का एक माना जनरली जो ज्यादा इस्तेमाल होता है और वाओ का एक माना कसम, और तीसरा माना हालांकि या जबकि के साथ इसका तर्जमा किया जाता है। वहुम हालांकि वो सब, यतलूना, यतलूना के बारे में अगर पूछूं कौन से टेबल से आ रहे हैं? तला यतलू की तरह आपने कौन सा टेबल किया हुआ है क्यूसी टू में? दा यदू माशाल्लाह। तो दा यदू का टेबल अगर आपका पक्का होगा तो तला यतलू का टेबल भी आप बना सकेंगे, ठीक हो गया जी। तो यतलूना वो सब तिलावत करते हैं, अल किताबा किताब की, कदालिका इसी तरह, का और दालिका दो अल्फाज है, इसी तरह। काला कहा, अल्लदीना उन लोगों ने जो, ला यालमूना नहीं जानते नहीं इल्म रखते, क्या कहा? मिसल कौलिहिम उनके कौल की मिसल, यानी जो बात यहूदी और ईसाई करते हैं एक दूसरे के बारे में इसी तरह की बात उन लोगों ने भी कही जो इल्म नहीं रखते। तो गुज़श्ता आयात में अल्लाह ने मुसलमानों के खिलाफ कहा गया यहूद और नसारा का ये जुमला नकल किया था कि सिर्फ वही जन्नत में दाखिल होंगे, और इस दावे में वो मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद हैं, यानी तीन कैटेगरीज हैं यहूदी ईसाई और मुसलमान। तो मुसलमानों के खिलाफ यहूदी और ईसाई मुत्तहिद होकर ये बात करते हैं कि जन्नत में तो बस यहूदी और ईसाई ही जाएंगे, और उसके बाद जब ये बात कर चुके हैं और फिर जब मुसलमान मुकाबले में नहीं होते और फिर सिर्फ यहूदी और ईसाई होते हैं तो आपस के ताल्लुकात की बात आती है, तो उनमें से फिर एक दूसरे पर यह इल्जाम लगाते हैं कि तुम्हारे पास तो कोई दलील ही नहीं है। तो जिसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम के खिलाफ उनका मौकफ सच्चाई और ईमानदारी पर मबनी नहीं है। यहूद के पास ऐसी किताब मौजूद थी, हुम यतलून अल किताब, यहूद के पास ऐसी किताब मौजूद थी जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र था, फिर भी वो हजरत ईसा पर ईमान नहीं लाए।
यानी अल्लाह का ये निजाम है, एक नबी के बाद जब दूसरा नबी आएगा तो उस पहले नबी के फॉलोअर्स के लिए भी ये जरूरी है कि नए नबी की अब जहाँ आ चुके हैं तो उसकी इत्तेबा की जाए और उसको माना जाए। लेकिन यहूदियों के पास तौरात मौजूद थी, उन्होंने उसको छोड़कर ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं माना, और नसारा ने अपने अकीदे को इस हद तक बिगाड़ दिया कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को मूसा को भी माना, ईसा को भी माना, लेकिन उसके साथ साथ ईसा अलैहिस्सलाम को इतने ऊपर ले गए कि उनको अल्लाह का बेटा बना दिया। और ये सारी बातें उन्होंने अपनी किताब को पढ़ने के दौरान ही की, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई हिदायत के लिए रास्ता नहीं था, सब चीज़ें मौजूद होने के बावजूद वो गुमराही का शिकार हुए। तो यहूद और नसारा दोनों ही अल्लाह की जानिब से नाजिल की गई किताबें पढ़ते हैं, लेकिन वो अपने आप पर और अपनी नजात पर तवज्जो देने की बजाय दूसरों पर उंगलियां उठाने में लगे हुए हैं, और उन लोगों के बिगड़े हुए अकायद और बुरी हरकतों को देखकर मुशरिकों ने, जिनके पास कोई किताब नहीं थी, ला यालमूना, इल्म नहीं रखते, यानी उनके पास कोई आसमानी किताब नहीं थी, आसमानी दीन नहीं था, उन्होंने इन यहूद नसारा को भी बुनियाद करार दे दिया। यानी जब उन्होंने ये कहा कि यहूदियों ने कहा कि ईसाई हक पर नहीं है, ईसाइयों ने कहा यहूदी हक पर नहीं है, तो मुशरिकों ने कहा तुम दोनों ही हक पर नहीं हो, तुम आपस में लड़ रहे हो, तो जब उनके पास भी नहीं है तुम्हारे पास भी नहीं है तो इसका मतलब है दोनों के पास कोई दलील नहीं है। तो ये नुकसान है आपस के इख्तिलाफात का। आज के दौर का मुसलमान भी इसी जो है वो गलती का शिकार है कि हम में से हर शख्स ये समझता है कि हम ठीक हैं, हमारे मुकाबले में कोई दूसरा है अगर तो वो दुरुस्त नहीं है, और एक दूसरे के बारे में इस तरीके के रवैये रखे जाते हैं। तो जब एक तीसरा जो है वो मजहब का कोई बंदा देखता है तो वो कहता है कि एक तबका कह रहा है कि हम सही हैं और दूसरा गलत है, और वो कहता है नहीं हम सही हैं ये गलत है, तो दोनों ही एक दूसरे को गलत कह रहे हैं, इसका मतलब है दोनों गलत हो, हम ही ठीक हैं। तो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आयत के इस हिस्से को एक मरतबा पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء اور کہا یہودیوں نے نہیں ہے عیسائی کسی چیز پر وقالت النصارى ليست اليهود على شيء اور کہا عیسائیوں نے نہیں ہے یہودی کسی چیز پر وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ حالانکہ وہ سب پڑھتے ہیں کتاب كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو لَا يَعْلَمُونَ علم نہیں رکھتے مِثْلَ قَوْلِهِمْ ان کے قول کی طرح یا ان کے قول کی مثل۔ آخری حصہ اس آیت کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، صدق اللہ العظیم۔ سو اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس بات میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ فاللہ، سو اللہ، فا پلس اللہ، یحکم حکم یحکم فیصلہ کرنا، حکمہ اس نے فیصلہ کیا، اسی سے آئے گا حاکم، اور یہی مادہ ہا کاف اور میم کا مادہ ہو تو اس کا ٹیبل کرومہ کے پیٹرن پر بھی بن سکتا ہے، حکومہ یا حکومو، اور اس سے پھر حاکم نہیں آئے گا بلکہ حکیم آئے گا، جیسے کرومہ سے کریم آیا تھا، عیل کے پیٹرن پر آئے گا، عیل کے پیٹرن پر۔ اس کا معنی ہوتا ہے حکمت والا، حکومہ وہ حکمت والا ہوا، تو حکیم حکمت والا، اور حکمہ کا معنی اس نے فیصلہ کیا، حکم دیا، اس کا معنی ہوگا، اس سے اسم فاعل ہوگا حاکم، حکم دینے والا، فیصلہ کرنے والا۔ تو حاکم کے لیے تو اسم مفعول آئے گا محکوم، جس کو حکم دیا جائے، لیکن حکیم کے ساتھ اسم مفعول نہیں آتا کیونکہ اس کا اثر کسی دوسرے پر نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے جی۔ بینہم، ان کے درمیان دو الفاظ ہیں، بینہ اور ہم، بینہ درمیان، ہم ان سب کے، یوم القیامہ قیامت کے دن، فی ما اس میں، جو فی میں اور ما وہ جو، کانو وہ سب تھے، فی ہی اس میں، یختلفون اختلاف کرتے۔ تو یہاں کانا پلس فعل مضارع آیا ہے، کانو اور یختلفون، تو یہ وہ ہم نے جو پڑھا تھا پاسٹ کنٹینیوس، کیو سی 2
टू में कि काना का फेले माजी अगर किसी भी दूसरे फेले मुदारे के साथ आ जाए तो फिर वो पास कंटिन्यूस फेल माजी इस्तेमरारी वाला तर्जुमा देता है। किया करते थे, कानू यख्तलिफूना, वो इख्तिलाफ किया करते थे, फी ही उसमें, तो वो दूसरों के मुतालिक फैसला करने में इतना मशगूल हो गए कि ये बात भी भूल बैठे कि एक दिन उन्हें हिसाब व किताब और फैसले के लिए अल्लाह के सामने पेश होना है। खुद उम्मत मुस्लिमा यानी हम में भी बहुत सी जमातें और ग्रुप्स हैं जो आपस में एक दूसरे को गलत करार देते हैं, हालांकि सब अल्लाह की किताब कुरान पढ़ते हैं। तो मुसलमानों के आपस में एक दूसरे को गलत करार देने की वजह से वो लोग भी मुसलमानों पर हंसते हैं जिनके पास कोई किताब नहीं है और वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। हमें इस चीज को सोचना चाहिए और फिक्र करनी चाहिए, कौन गलत है ये देखने और लोगों को नाम रखने की बजाय पहले हमें खुद अपने आप को इख्तिलाफात से बचाना है। साथ ही साथ ईमान और नेक अमाल का सही नजरिया लोगों में फैलाने पर काम करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। तसव्वुर और एहसास को जरा इस्तेमाल करते हुए सोचें कि आप किसी एक एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और बहुत से लोग एग्जाम दे रहे हैं, लोग अपना पेपर लिख रहे हैं, लेकिन उनमें कोई एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है कि जो पूरा वक्त ये देखने में गुजार देता है कि वो उस सीट पर बैठा हुआ क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, कौन लिख रहा है, कौन नहीं लिख रहा, तो सारा वक्त वो इसी में गुजार देता है। तो वो दूसरे का नुकसान नहीं कर रहा बल्कि अपना नुकसान कर रहा है कि उससे पास से वक्त गुजरा जा रहा है और वो अपने इम्तिहान के बारे में नहीं सोच रहा कि मैं भी अपना पेपर हल कर लूं। तो इसलिए अपनी फिक्र ज्यादा होनी चाहिए बजाय इसके कि हम दूसरों के बारे में राय कायम करने में लगे रहें। ऑल्दो ये जरूरी है कि हम दूसरों को गलती पर देखें तो उनकी इसलाह की फिक्र करें, लेकिन ऐसा ना हो कि हम दूसरों की इसलाह के चक्कर में ऐसे पड़ें कि अपनी इसलाह को भूल जाएं। अपनी जात जाहिर है पहले है, सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है फिर दूसरों की तरफ जाना है। तो इस आयत के हिस्से को पढ़िए एक मरतबा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। والله يحكم بينهم يوم القيامة سو اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن فیما كانوا فيه يختلفون اس بات میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ ہماری آیات اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گئیں اور اب ہم چلتے ہیں इसको एक मरतबा फिर से देख लें। इसका तर्जमा हम देख चुके हैं, असबाब को एक मरतबा फिर से देख लें। यहूद और नसारा आपस में एक दूसरे का ये कहकर मजाक उड़ाया करते थे कि तुम्हारे पास कुछ भी सच्चाई नहीं है। तो यहूद और नसारा के इख्तिलाफात को देखकर आम आदमी, आम इंसान भी ये सोचने और बोलने लगता कि वो इनसे बेहतर है, इनके पास किताब होने के बावजूद आपस में लड़ रहे हैं। आखिरत के दिन अल्लाह ताला ये फैसला करेगा कि कौन सही था, कौन हक पर था और कौन गलती पर और कौन बातिल था, बातिल पर था। हमें भी दूसरों के बारे में सोचने की बजाय, दूसरों की फिक्र करने की बजाय अपने बारे में सोचना चाहिए और अपने अमाल की फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। तो इस तसव्वुर और एहसास के साथ हमने मुताला किया। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इस उम्मत को कुरान से जोड़ने में हमारी मदद फरमा, हम इस उम्मत को एक जो है वो उस पॉइंट पर ले आए जिसमें सारे मुत्तफिक हैं यानी कुरान, और फिर हमें खुद को बेहतर से बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमा और दूसरों के बारे में कमियां और कोताहियां ढूंढने की बजाय हम अपने आप को दुरुस्त करने में वक्त लगाएं। एहतिसाब करें कि हम कितना वक्त मनफी चीज़ों को पढ़ने, सुनने या देखने में खर्च करते हैं, खास तौर पर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें दीन इस्लाम के मुतालिक और अकायदे इस्लाम के मुतालिक, अहकाम इस्लाम के मुतालिक फैलाई जाती हैं, प्रोपगेट की जाती हैं, तो हम उनको देखकर उसमें कितना अपना वक्त जो है वो लगाते हैं और बजाय उसके हमें करना क्या चाहिए कि हम अपने आप की बेहतरी की फिक्र करें और बेहतर से बेहतर बनाने पर तवज्जो दें। इस बात का हम प्लान बनाएं और फिर उसके बारे में हम सोचें और अल्लाह से मदद और तौफीक मांगते हुए इस पर काम शुरू करें। आइए अस्मा और अफाल देखें। शई वाहिद है, इसकी जमा क्या आएगी? शिया। अशिया, अशिया उ,
ये याद रखिए अशिया के आखिर में, यानी जो जमा है इसके आखिर में डबल हरकत नहीं पड़ी जाएगी, सिंगल हरकत होगी, अशियाउ, ठीक है। और अल किताब है तो इसकी जमा कुतुब, किताब की जमा कुतुबुन, यहाँ दो तनवीन दो हरकतें आ सकती हैं। कौल की जमा अक्वालुन, और अफाल में यालमून, ये टेबल हम किसी वन में करके आए हैं, समिया के पैटर्न अलीमा यालमु, यहकुमु ये यहाँ नसरा के पैटर्न पर आया है, हकमा यहकुमु, उहकुम हाकिम महकुम हुकुम, हकमा उसने फैसला किया या उसने हुक्म दिया। कमजोर अफाल में काला आया, ये हर दूसरी लाइन में आ रहा होता है कुरान में, काला दूसरी या तीसरी लाइन में काला और काना में से कोई ना कोई आ ही जाता है, तो काला या कुलू हमारा बेसिक टेबल्स में से है। यतलूना ये दा यदउ की तरह, तला यतलू उतलू, तालिन मतलूबुन तिलावतुन, तिलावत करना, तला उसने तिलावत की, यतलूना वो सब तिलावत करते हैं। और मजीद फी में यख्तलिफून आया है यहाँ पे, बिल्कुल सिर्फ एक ही, कानू यख्तलिफून, इख्तलफ यख्तलिफु, इख्तलिफ मुख्तलिफुन, मुख्तलफुन इख्तलाफुन, इख्तलाफ करना। तो इसके साथ हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ। यहाँ पर अगर हम अप्लाई करें तो इसमें हमें कोई जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया नजर आ रहा है, या काना वाला जुमला या इन्ना वाला जुमला हम पढ़ चुके हैं जी। यतलून अल किताबा, यतलून अल किताबा, यतलूना फेल, और बात हुई थी कि जब भी फेल होगा तो उसके साथ फाइल मस्ट है, या तो कोई लफ्ज लिखा हुआ होगा और अगर लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा तो फेल की जमीर को फाइल बना लेंगे। तो यतलूना फेल हो गया, इसके साथ जो वाओ जमीर आ रही है ये इसका फाइल बन जाएगा जो कि हुम को रिप्रेजेंट करती है। यतलूना ये हुम के साथ की तरफ इशारा करते हैं हम, तो वाओ जो है यहाँ पर ये जमीर है जो इंडिकेट कर रही है कि यहाँ फाइल हुम बन रहा है। और अल किताबा मफूल भी हो जाएगा, ये जुमला फेलिया हो गया, ठीक हो गया। और कानू यख्तलिफूना, तो कानू में भी ऐसे ही होगा कि काना हो गया और काना का इसम कानू है, तो काना का इसम क्या होगा फिर, वाओ अलिफ जो है इसके अंदर ही, जो वो वाओ जो है जो हम रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ भी, तो ये काना का इसम बन जाएगा। और यख्तलिफूना जो है ये फिर एक और सूरत है फेल का, उसका काना की खबर बनने की, इसको हम आगे चलकर डिटेल से पढ़ लेंगे। जैसे खबर एक लफ्ज़ हो सकती है, ऐसे खबर में फेल भी आ सकता है, यानी वो फिर फेल, ये हम जानते हैं कि जब फेल आता है तो उसके साथ फाइल जरूरी होता है, तो फेल और फाइल जुमला फेलिया बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर फेल कितने आए हैं, कालत फेल है और यतलूना फेल है, यालमूना ला यालमूना फेल है, यहकुमु फेल है, तो यख्तलिफूना। अगर आगे पीछे को छोड़ दें तो कालत का हम फाइल किसको बनाएंगे, यहाँ यहूद सोचे नहीं है, सिर्फ ये लिखा हुआ कालत, तो कालत का फाइल क्या होगा, वो मुअन्नस ही, मुअन्नस, मुअन्नस का जो हिया है, कालत का फाइल बन जाएगा हिया, ठीक है। यतलूना, यतलूना का फाइल फिर किसको बनाएंगे, सब वो सब वो सब, तो यहाँ पर इसमें यहाँ क्या कहेंगे हम कि यतलूना में जो वाओ आखिर में है ये फाइल की निशानी है, यतलूना में वाओ है जो यतलूना, ठीक हो गया। यालमूना तो इसमें भी वाओ फाइल की निशानी बन जाएगी, फाइल बन रहा है। यहकुमु, अल्लाहु यहकुमु में अल्लाहु को भी छोड़ दें, आगे बैनों को सिर्फ यहकुमु लिखा हुआ आपके सामने आता है, तो यहकुमु का फाइल क्या बनेगा, छुपे हुए हुआ होना चाहिए सर, ये सिंगुलर सब,
नहीं यहकुमू है ना, यहकुमू आप सब नहीं, आप ओनली आप सर, सिंगुलर है, सिंगुलर है वो, वो आएगा ना, वो आएगा ना सर, वो ही आएगा ना, वो ये पहला सीगा है मदारे का, पहला सीगा है जी, वो हुक्म देगा या वो फैसला करेगा, तो वो वाला कुम नहीं है, ये दूसरा कुम है उस लफ्ज से, हकमा का कुम है ये, वो दूसरा वाला कुम नहीं है, कुम ये जी, ये वो किताब हुकुम वाला कुम नहीं है, बल्कि ये हा काफ और मीम का मादा है यहकुमु। और आखिरी रह गया है यख्तलिफूना, इसमें भी यतलूना की तरह यख्तलिफूना में वाओ जो है वो इसको हम फाइल कह देंगे जो हम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो सर आपने ये जो यहकुमु था इसका फिर हुआ बताया जी, यहकुमु का फाइल हुआ हुआ, एक सेकंड मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख कर बताता हूँ, यहकुमु बोर्ड पर आ जाए, ये फेल आया कालत और यतलूना सर, जो प्लूरल जो होंगे उनके लिए वाओ होगा और बाकी के लिए हुआ होगा ना, यालमूना जी और यहकुमु या गया। अब हम आयात को छोड़कर सिर्फ सिंपल देख रहे हैं, कालत का तर्जुमा क्या करेंगे, उस औरत ने कहा, उस औरत ने कहा, यतलूना का तर्जुमा तिलावत करते हैं, वो सब तिलावत करते हैं, वो सब तिलावत करते हैं। यालमूना वो सब जानते हैं, वो सब इल्म जानते हैं, यहकुमु वो फैसला करता है, चलाता है। तो अब यहाँ पर क्या है, उस औरत, वो सब और वो, ये इसका फाइल बन रहे हैं यहाँ। तो उस औरत के लिए हमने क्या कहा, जमीर पड़ी है हिया, वो सब के लिए हम, या लमूना में भी वो सब है तो हम, और यहकुमु में वो है तो वो के लिए हमने पढ़ा हुआ। ठीक है, यहाँ पर कालत में हिया छुपा हुआ है और यहकुमु में भी हुआ छुपा हुआ है, जबकि ये जो हम है ये वाओ जो है वो इसकी तरफ इशारा कर रहा है। ठीक हो गया, ये जो वाओ है यालमूना में और यतलूना में, ये वाओ इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर हुम है। तो फेल जब भी आएगा उसके साथ फाइल जरूर होगा, बताना मैं ये चाह रहा हूं कि फेल जब भी होगा उसके साथ फाइल जरूर होगा। कभी तो ऐसा होगा जैसे यहां पर ये आया है कालतिल यहूदू, कालतिल यहूदू, तो अब हमने कहा कालत जो है ये फेल है और अल यहूद इसका फाइल बन गया। अब यहां पर हिया निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि अल यहूद मौजूद है, लेकिन अगर ये अल यहूद ना होता तो फिर हम कह देते कि कालत में जो हिया है उसको फाइल बना लेंगे, क्योंकि फेल कभी भी फाइल के बगैर नहीं हो सकता। ठीक है, और यतलूना में इसका फाइल आगे नहीं हो सकता, ये हमेशा ये जमीर ही बनेगी इसका फाइल, यतलूना हो गया, यालमूना हो गया, एंड सो ऑन, इस तरह के जितने भी होंगे, यतलूना यालमूना ततलूना तालमूना, इनका फाइल जो है वो इस तरह से अलग लिखा हुआ नहीं आएगा जैसे यहाँ अल यहूदू लिखा हुआ है। जब फाइल अलग से लिखा हुआ आता है तो उस सूरत में फेल हमेशा वाहिद आएगा। ये बात हुई है, हमने पहले की है जी, नहीं देखें हमने एक जमा कालम बनाने के लिए की थी सर,
जुमला फेलिया में एक फेल होता है, एक फाइल होता है। तो ये फाइल दो तरह से हो सकता है कि नया इसम हो या फेल के अंदर छुपी हुई जमीर। नया इसम अगर होगा तो इस सूरत में फेल जो है, अगर नया इसम होगा तो इस सूरत में फेल हमेशा वाहिद इस्तेमाल होगा, भले आगे ये जमा हो, वाहिद हो, तस्निया हो, कुछ भी हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर पाला अलमुस्लिमों, अलमुस्लिमों को फाइल बनाना है। दो के लिए अलमुस्लिमानी और जमा के लिए अलमुस्लिमूना, तो तीनों सूरतों में काला ही आएगा। इस बात को नहीं देखेंगे कि यहाँ पर फाइल वाहिद है, यहाँ जो है वो तस्निया आ गया और यहाँ जमा है, तो तस्निया होने की वजह से ये फेल तस्निया नहीं होगा। इसी तरह जमा होने की वजह से फेल जमा नहीं होगा, बल्कि फेल सिंगुलर ही रहेगा। लेकिन अगर ये मुजक्कर मुअन्नस में चेंज होते हैं तो फिर ये मुजक्कर मुअन्नस में चेंज हो जाएगा। मसलन अल मुस्लिमतु आ जाता है अगर फाइल, तो फिर काला नहीं रहेगा, फिर कालत हो जाएगा। लेकिन जमा या तस्निया की सूरत में ये नहीं बदलेगा, वो वाहिद ही रहेगा अगर फाइल इसका एक नया इसम आ रहा है। लेकिन अगर फाइल हमने नए इसम को नहीं लेना तो फिर हम वाहिद के लिए काला, उस एक ने कहा, उन दो ने कहा या उन सब ने कहा, तो इस सूरत में आप यहां, चूंकि वो दो वो सब ये जमीरें हैं, तो अब यहां पर ये चेंज होगा, काला आ जाएगा, इधर कालू आ जाएगा। ये बात समझ में आई? मेरे जैसे कुछ समझ ना आए तो फिर माफी मिल सकती है ना आपको? इंशाल्लाह आ जाएगी समझ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे तो ये बात नहीं समझ आई, मैं दोबारा लिख रहा हूं। फाइल अगर अलग से नया इसम बनाया जाए तो फेल हमेशा वाहिद ही आएगा। ठीक है, इसकी मिसाल दी अल मुस्लिम वाहिद है और अल मुस्लिमूना जमा है। इन दोनों के कहना है, एक मुसलमान ने कहा या बहुत से मुसलमानों ने कहा, दोनों सूरतों में सिंगुलर फेल आएगा। काला, काल अल मुस्लिमू, एक मुसलमान ने कहा, काल अल मुस्लिमूना, बहुत से मुसलमानों ने कहा, यह नहीं कहा जाएगा कि कालू अल मुस्लिमूना, ये नहीं होगा। फिर आपने सर दरमियान में जो अल मुसलिमान ही बोला था, वो तस्नी है ना, दो मुसलमानों ने कहा, दो के लिए था वो दो के लिए था। हाँ जी, उसमें भी अल मुसलिमान ही आएगा, दो मुसलमानों ने कहा, काला अल मुसलिमान ही नहीं आएगा। काला का तस्नी हमने काला पढ़ा है ना। अच्छा। तस्नी हम पढ़ चुके हैं कि उसी फॉर्म में फेल का डुअल बनाने के लिए हमने पढ़ा था कि वाहिद जो फेल है उसके आखिर में अलिफ का इजाफा हो जाएगा। नसारा, उस एक ने मदद की, नसारा उन दो ने मदद की, नसारू उन सब ने मदद की। तो अगर कहना है नसारा, चलें काला की बजाय नसारा ले लेते हैं, कहना है अलमुमिनु अलमुमिनानी अलमुमिनूना, एक मोमिन ने मदद की, नसारा अलमुमिनू, दो मोमिनों ने मदद की, नसारा
अलमुमिनानी, बहुत से मोमिनों ने मदद की तो नसारा अलमोमिनूना। ये नहीं होगा कि अलमोमिन के साथ नसारा आ जाए सिंगुलर, अलमोमिनान के साथ नसारा आ जाए और अलमोमिनून के साथ नसारू आ जाए, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सूरत में हम कह रहे हैं ये फेल है और ये फाइल है, ये फेल है और ये फाइल बन रहा है, और ये फेल है और अलमोमिनूना जो है ये फाइल बन रहा है। तो जब एक अलग से लिखा हुआ नया इस्म है उसको हमने फाइल बनाना हो तो फिर ये फेल हमेशा सिंगुलर ही यूज होगा। ये नहीं होगा कि फाइल अगर सिंगुलर प्लूरल आ रहा है तो फेल को भी प्लूरल कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ दो के साथ होगा? दो के साथ भी नहीं होगा। अच्छा। अब इसको दूसरी तरह लें, उसने मदद की, उन दो ने मदद की और ने मदद की। अब यह है नसारा हुआ, इसके अंदर छुपा हुआ। अब ये दो हैं तो उन दो, वो दो, वो दो के लिए हमने ज़मीर क्या पढ़ी है? हुमा, और वो सब के लिए अब ये हुआ हुमा हूँ। एक सूरत ये है कि हम लिखे नसारा हुआ, नसारा हुमा, नसारा हम, ये गलत हो जाएगा क्योंकि नसारा हम के बारे में हमने क्या पढ़ा, खलाका हम, उसने पैदा किया उन सब को, ठीक है। तो इस सूरत में हम उन दो की जब बात करेंगे तो फिर अब जमीर को हम बना रहे हैं तो अब इसको हम डुअल वाली फॉर्म में नसारा ले आएंगे और उन सब के लिए हम नसारू। तो जब फाइल जमीर बन रहा हो तो जमीर के वक्त तो हम फेल को वाहिद जमा के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। नसारा एक की बात करनी है तो कहेंगे नसारा एक ने मदद की, दो ने मदद की तो नसारा, और बहुत सौ ने मदद की तो नसारू। लेकिन अगर वो एक, वो दो या वो सब जो बहुत से हैं वो एक नए लफ्ज की सूरत में लिखे हुए नजर आए हमें, मसलन दो मुसलमान, एक मुसलमान ने मदद की तो अल मुस्लिम लिखा हुआ नजर आ रहा है, दो मुसलमानों ने मदद की तो दो अल मुस्लिमान ही लिखा हुआ नजर आ रहा है, बहुत से मुसलमानों ने मदद की तो अल मुस्लिमून नजर आ रहा है। तो जब वो अलग से एक नया लफ्ज हमारे पास मौजूद होगा कि हम उसको फाइल बना सकें तब फिर हमेशा सिंगुलर यूज होगा, और अगर कोई नया लफ्ज ऐसा नहीं है जिसको हम फाइल बना सकें और बल्कि फेल के अंदर छुपी हुई जमीर को हमने बनाना है फाइल, तो फिर फाइल के जो हम तर्जुमा कर रहे हैं अगर जमा वाला कर रहे हैं तो फेल भी जमा ले आएंगे, वाहिद वाला कर रहे हैं तो फेल भी वाहिद ले आएंगे। टेबल के सीखों के हिसाब से हमने करना है जी, टेबल के उसके हिसाब से करेंगे, ठीक, उसके मुताबिक चलेंगे। अभी अगली आयात आएंगी तो उसमें एक दफा इसको दोबारा से हम रिपीट करेंगे और फिर हम देख लेंगे इसको कि कैसे मजीद इसको प्रैक्टिस की जा सकती है। जी सर आलिया सर, यानी जब जमीर छुपा हुआ जमीर जब फाइल के तौर पे यूज होगा तो हम वाहिद जब तस्नी और जमा वाला सीगा लगाएंगे, और जब अलग से नया फाइल मिला हुआ हो तो हम सिंगुलर ही लगाएंगे सबके लिए, सबके लिए नसारा ही लगेगा, सबके लिए सिंगुलर फेल ही रहेगा नसारा के केस में, जैसे नसारा आया। जी जी ठीक हो गया। आइए जी ग्रामर पे चलें। ग्रामर पे हमने पहली जोड़ी हमने पढ़नी शुरू कर दी थी आई थिंक सो, तो पहली जोड़ी हमने पढ़ी थी जार मजरूर की, उसी की मजीद कुछ तफसील लेते हैं। जार और मजरूर की जोड़ी, ये हम जानते हैं कि अरबी ग्रामर के दो अहम हिस्से हैं सर्फ और नहव। सर्फ का माना क्या है कि मादे के हरूफ हमारे पास मौजूद हैं, मादे के हरूफ को मुख्तलिफ शेप्स में ढालकर बामाना अल्फाज बनाए जाए। किसी का माइक ऑन है काइंडली अपना माइक,
माइक सबने म्यूट रखिए फिर। अच्छा जी, सर्फ क्या है कि मादे के हरूफ को रूल्स अप्लाई करते हुए मुख्तलिफ शेप्स में ढाल कर बमाना अल्फाज लाए जाएं, जैसे फा, आइन और लाम एक मादा था, इससे हमने एक डाई में रखा तो ये बन गया फाइल, काम करने वाला, फेलुन काम करना, फालतुम तुम सब ने किया, या फालूना। तो ये कुछ रूल्स अप्लाई किए हमने इस मादे के ऊपर और हमारे पास ये मुख्तलिफ अल्फाज बन गए। ये है इल्मुस्सर्फ। सर्फ कहते हैं फेरने को, यानी मादे को मुख्तलिफ शक्लों में हमने फेरा और घुमाया है, उससे हमारे पास मुख्तलिफ अल्फाज आ गए। और नाव कहते हैं कि वो जो अल्फाज हमारे पास मौजूद हैं बने हुए, उन लफ्जों को तरतीब के साथ रख कर जुमले बनाना, जैसे एक लफ्ज था हमारे पास अलबैत, एक था कबीर, दोनों को जोड़कर एक खास तरतीब में रखा, पहले को अल के साथ लिखा, दूसरे को बगैर अल के, दोनों पर पेश लगा दी, अलबैतु कबीरुन एक जुमला बना, एक कंप्लीट सेंस हमें हासिल हुई कि अलबैतु कबीरुन का तर्जमा हुआ घर बड़ा है, ये कंप्लीट सेंस मिल गई। लेकिन अलबैत अकेला होगा तो सिर्फ घर एक बात है, उस घर के बारे में कोई बात नहीं पता चलती हमें। तो सर्फ में बातें आमतौर पर पता नहीं चलती, जबकि नहव में पूरा पूरा एक सेंस हमें मिलता है, कोई इंफॉर्मेशन मिलती है। तो नहव में एक तो ये है कि डायरेक्ट ही दो अल्फाज को या दो से ज्यादा अल्फाज को मिलाकर जुमला बना लिया जाए, कभी एक स्टेप और किया जाता है कि छोटी छोटी जोड़ियां बना ली जाती हैं, फ्रेजेस बना लिए जाते हैं, फिर उन फ्रेजेस के साथ मजीद कुछ अल्फाज ऐड करके कंप्लीट सेंस वाले जुमले बन जाते हैं, जैसे फी यौमैनी एक जोड़ी है, बैतन कबीरन एक और जोड़ी है, जालिकल बैत एक और जोड़ी है। तो इन जोड़ियों के आगे पीछे कुछ मजीद अल्फाज ऐड किए और हमें एक कंप्लीट सेंस वाला जुमला मिला, क्योंकि फी यौमैनी अकेला अगर देखें तो फी यौमैनी का तर्जमा है दो दिनों में, फी यौमैनी दो दिनों में, बैतन कबीरन बड़ा घर, ذلك البيت وہ گھر। اب ادھورا سا سینس تو ملتا ہے فی یومین اگر اکیلا لکھا ہو تو معنی دو دنوں میں, لیکن سوال ہوگا دو دنوں میں کیا ہوا ہے, کوئی بات ہے دو دنوں میں کیا کچھ ہوا ہے, دو دنوں میں کچھ کرنا ہے, تو اس کے ساتھ پھر ہم نے کچھ مزید الفاظ ایڈ کیے, خلق اللہ الارض اللہ نے پیدا کیا زمین کو, فی یومین دو دنوں میں, اب ایک کمپلیٹ سینس ہمیں انفارمیشن مل گئی۔ इसी तरह बैतन कबीरन बड़ा घर, बड़े घर को क्या हुआ, तो काना हाजा साथ ऐड किए तो एक पूरा जुमला मिल गया, ये बड़ा घर था। इन जालिकल बैता बैतुल्लाह, इसी तरीके से यहाँ पर भी हुआ कि जालिकल बैत के आगे और पीछे कुछ नए अल्फाज शामिल किए तो हमें एक पूरी सेंस वाला जुमला मिल गया। और नाव में जो सबसे इंटरेस्टिंग काम होता है वो ये होता है कि हर लफ्ज जब जुमले में आता है तो वो कभी सब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहा होता है, कभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहा होता है, कभी उसके साथ कुछ ऐसे अल्फाज आ जाते हैं जिनकी वजह से उसके आखिर में चेंजेस आती हैं। जैसे हमने सिंपल पढ़ा है अलबैतु कबीरुन, लेकिन उससे पहले अगर इन्ना आ जाए तो इन्ना आने के बाद क्या हो जाता है, फिर अलबैतु कबीरुन के शुरू में इन्ना लग जाए तो क्या बनेगा, बैतु कबीरुन। तो ये जो बैतु से ता हो गया है ये बातें हम नाव के जरिए समझते हैं कि यहाँ पेश की बजाय जबर आ गया है, जबर की बजाय जेर आ गई है, वाओ नून वाली जमा थी तो वाओ नून के साथ यहाँ कहाँ पर मुस्लिमूना आएगा, कहाँ पर मुस्लिमीना आएगा, ये सारी चीजें हम इल्मुन नाव के जरिए समझते हैं। हम चार किस्म के जुमले पढ़ चुके हैं, ये दो स्लाइड्स जो अगली आ रही हैं ये हमारी हर लेसन की रिविजन हुआ करेगी। हमने चार किस्म के जुमले सीखे हैं, पहला जुमला हमने सीखा जुमला इस्मिया, इसके अंदर क्या चीजें थी कोई बताना चाहे, क्विकली रिवाइज कर लें चार जुमला इस्मिया की क्या क्या बातें हमने पढ़ी हैं। जी डॉक्टर इफ़त जी, जुमला इस्मिया वो इसमें जो इस्म से शुरू होता है, इसमें पहले एक जो मुब्तदा होता है पहले वो, और दूसरा खबर होती है, मुब्तदा खबर दोनों जो है वो रफा की हालत में होते हैं, मरफू होते हैं। पहली बात कि इस्म से शुरू होता है, दूसरी बात दो हिस्से होते हैं, एक को मुब्तदा कहते हैं दूसरे को खबर कहते हैं। मुब्तदा जनरली वो जो है वो खास इस्म भी हो सकता है, लेकिन जो खबर होती है वो हमेशा नकरा होती है, खबर जो है वो जनरली नकरा जनरली होती है। तो चार बातें हम जुमला इस्मिया के बारे में कर रहे हैं, पहली बात कि इस्म से शुरू हो रहा है, दूसरी बात इसके दो हिस्से हैं, पहले को मुब्तदा कहते हैं दूसरे को खबर, तीसरी बात दोनों हिस्से रफा की हालत में होते हैं, और चौथी बात
कि मुब्तदा जनरली मारिफा होगा और खबर जनरली नकिरा होगी। जुमला इस्मिया की ये चार बातें होगी, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा जुमला हमने पढ़ा इन्ना वाला जुमला, इसके बारे में भी कुछ दो तीन बातें थी, कोई और बता दे हाथ खड़ा करके। जी पार्टिसिपेट डॉक्टर रिफत के अलावा कोई और कहे, नसीम साहब बताना चाहेंगे? जी सर। सर सर इन्ना का जुमला जो है ये भी इस्मिया जुमले की तरह बनेगा, इसमें नाम चेंज हो जाएंगे, इन्ना की खबर हो, इन्ना की वो होगी, इन्ना का इस्म होगा और इन्ना की खबर, इन्ना का इस्म जो है वो रफा की हालत में होगा और इन्ना का इस्म नसब की हालत में होगा और इन्ना की खबर जो है वो रफा की हालत में होगी, रफा की हालत में हो जाएगी, ठीक हो गया। और काना वाले जुमले की कोई और बता दें क्विकली, जल्दी से अगर बताते जाएं ताकि हम आगे चलें, ये रिवीजन जरूरी है, बार बार होती रहेगी तो काना की भी सर ऐसे ही होगी, जो फाइल होगा वो रफा उसमें नसब में आ जाएगा और जो ये खबर होगी उसमें मरफू हो जाएगी। काना जो है वो इन्ना के ऑपोजिट काम करता है, काना का इसम रफा की हालत में होगा और काना अच्छा। की खबर नसब में चली जाएगी। सॉरी सर, काना का इसम रफा में और काना की खबर नसब में। और जुमला फेलिया रह गया आखिरी, कोई नया नाम बाकी लोगों को नहीं समझ आई हुई? नसीम साहब का हाथ खड़ा हो रहा है, चलें नसीम साहब आप बताइए। सर फेलिया जुमला भी काना की तरह फेलिया जुमला भी होगा लेकिन इसमें जो इस्म होगा वो रफा की हालत में होगा जबकि खबर जो होगी वो नसब की हालत में होगी। अच्छा, इसमें यह होगा कि जुमला फेलिया में, पहली बात तो यह कि ये फेल से शुरू होगा इसको फेलिया कहा है, और इसमें काना वाले में तो हमने कहा था काना का इसम और काना की खबर, इसमें इसम और खबर नहीं कहेंगे, इसमें सिंपली फेल का फाइल और मफूल कह देंगे, तो फाइल रफा की हालत में होगा और मफूल जो है वो नसब की हालत में चला जाएगा। तो इन चार जुमलों को जरा दोहराए एक एक दफा, जुमला इस्मिया अल्लाह गफूर, इन्ना वाला जुमला गफूर, काना वाला जुमला कान अल्लाह गफूर, और जुमला फेलिया अलग अल्लाह। ये चार जुमले हैं जो हमने पढ़े हैं और चार ही हम जोड़ियां पढ़ेंगे, उनमें से पहली जोड़ी हम पढ़ रहे हैं जार और मजरूर की जोड़ी फिल अर्दी। इसमें हम पिछले सबक में बात कर चुके हैं कि जुमला कुछ हरूफ हैं जिनको हम कहते हैं कि ये हरूफ जर हैं, हरूफ जर हैं जार और मजरूर की जोड़ियां। ये हरूफ हैं ली मिन अन बी फी आला इला, यहाँ लिखे हुए हैं सात, इसके अलावा चार और बताए थे वो कौन कौन से हैं, एक है वाओ, हत्ता वाओ का और ता, का और का, हत्ता वाओ का और ता, ये ग्यारह अल्फाज हैं, ग्यारह हरूफ हैं, इनके बाद आने वाला इसम जर की हालत में होगा, यानी या तो उसके आखिर में जेर आ रही होगी सिंगल या दो जेरें आ रही होंगी डबल जेर होगी, और अगर वो जमा है तो मुस्लिमूना की बजाय मुस्लिमीना हो जाएगा। फिल अर्दी ये हमने पढ़ा था और इसका इशारा हमने ये लिया था, रफा का इशारा, नसब का इशारा और जर का इशारा, रफा नसब जर, इसकी हमने प्रैक्टिस की थी। बिल्लाही ये जर की हालत में आ गया। फिल अर्दी जमीन में, लिल मुस्लिमीना मुसलमानों के लिए, मिनल मुमिनीना मोमिनीन में से। तो इसम की असली हालत होती है रफा की हालत, रफा की हालत कहेंगे हम, मुस्लिमुन नसब की हालत, मुस्लिमन जर की हालत, मुस्लिमिन रफा की हालत, मुस्लिमुन नसब की हालत, मुस्लिमन और जर की हालत, मुस्लिमिन। ये हम प्रोनाउंस करने की आसानी के लिए मैं इसको कह रहा हूँ रफा नसब, एक्चुअली ये अरबी के अल्फाज हैं, तो ये है रफ़ुन नस्बुन और जर्रुन, रफ़ुन रफ़ की हालत मुस्लिमुन, नस्ब की हालत मुस्लिमन और जर की हालत मुस्लिमिन।
ली के साथ जब मुस्लिम लगेगा तो क्या बनेगा? ली मुस्लिमिन, ली मुस्लिमिन। मोमिन अगर लगाएं ली के साथ तो क्या बनाएंगे? ली मुमिनिन, ली मुमिनिन। और सालिह के साथ अगर ली लगाएंगे तो ली सालिहिन। और नासिर के साथ अगर लगाएंगे तो ली नासिरिन। और अगर अलिफ लाम आ जाएगा तो अलिफ लाम की वजह से क्या होगा कि आखिर में जो डबल हरकत थी वो खत्म हो जाएगी, सिंगल हरकत रह जाएगी, मुस्लिमुन की बजाय अल मुस्लिमु हो जाएगा। तो रफा की हालत में पढ़ेंगे अल मुस्लिमु, नसब की हालत अल मुस्लिमा, और जर की हालत अल मुस्लिमी। रफा की हालत अल मुस्लिमु, नसब की हालत अल मुस्लिमा, जर की हालत अल मुस्लिमी। अब ली के साथ लगाएं अल मुस्लिम को तो क्या बनेगा? लिल मुस्लिमी, लिल मुस्लिमी, लिल मुस्लिमी। अल मोमिन के साथ लिल मोमिनी, अस्सालिह के साथ लिस्सालिहिन, लिस्सालिहिन। नासिर के, अन्नासिर के साथ अन्नासिर। तो हरूफ जर को जमा के साथ जब लगाएंगे, ये तो पिछले की रिवीजन हो गई, अब जमा अस्मा के साथ जब लगाएंगे तो क्या होगा? अल मुस्लिमु है तो उसकी जमा आएगी अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिम की जमा अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमा की जमा अल मुस्लिमीना, और अल मुस्लिमी की जमा अल मुस्लिमीना। आज के बाद अब हमें ये चीज क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह कि अल मुस्लिमीना जब भी आएगा तो हम देख कर कह सकते हैं कि ये पहले अभी तक हम बात कर रहे थे कि अल मुस्लिम जो है इसकी जमा अल मुस्लिमून भी हो सकती है और अल मुस्लिमीन भी हो सकती है। हमें नहीं पता था कि अल मुस्लिमून और अल मुस्लिमीन में फर्क क्या है। आज हमें ये फर्क समझ में आ रहा है कि अल मुस्लिमूना है तो वो रफा की हालत है और अल मुस्लिमीना है तो वो या तो नसब की हालत है या जर की हालत। अब हमने पता कैसे चलाना है कि ये नसब वाला अल मुस्लिमीना है या जर वाला? जुमले को उसके लिए हम देखेंगे कि नसब की हालत में कब कब आता है कोई इसम। अभी तक जो हमने पढ़ी है अला वजूहात नसब की, वो कितनी कौन कौन सी हैं? तीन पढ़ चुके हैं। फिर जर अगर नसब, नसब की वजूहात तीन पढ़ी है हमने। कोई इसम नसब की हालत में आता है तो उसकी तीन वजूहात हम पढ़ चुके हैं। एक, इन्ना का इसम अगर बन रहा है तो वो नसब की हालत में होगा। इन्ना का इसम अगर बन रहा है तो वो नसब की हालत में होगा। दूसरा, काना की खबर है अगर तो नसब की हालत में होगी। और तीसरा क्या है जुमला फेलिया में? मफ़ूल, ऑब्जेक्ट जो है नसब की हालत में होगा। नसब की तीन वजह पड़ी हैं। तो कहीं पर अल मुस्लिमीन लिखा हुआ है तो हम इन तीन वजूहात को चेक करें, क्या ये इन्ना की का इसम बन रहा है तो इन्नल मुस्लिमीना नसब की हालत है। काना की खबर बन रहा है तो कानू मुस्लिमीना अगर आ रहा है तो हम समझ जाएं कि कानू में वाव काना का इसम है और मुस्लिमीना खबर बन रही है, काना का, काना की खबर है। और अगर कोई नसरा मुहम्मदुन अल मुस्लिमीना आ रहा है, मुहम्मद ने मुस्लिमों की मदद की तो अल मुस्लिमीना जो है वो नसब की हालत में। तो नसब की तीन वजह पड़ी हैं और भी आएंगी। और जर की हमने अभी तक एक ही वजह पढ़ी है कि उससे पहले कोई हरफे जर आ जाए। तो अल मुस्लिमीन जब लिखा हुआ नजर आए आपको, या कोई भी ऐसा इसम जो जमा मुजक्कर सालिम है और वो या नून के साथ लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो हमने करना क्या है? हमने ये चेक करना है कि ये नसब वाला मुस्लिमीन है या जर वाला मुस्लिमीन है। ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे? हमारे पास वजूहात मौजूद हैं कि अगर इन्ना का इसम हो तो वो नसब वाला होता है तो हम उसको नसब वाली कैटेगरी में डालेंगे। काना की खबर हो तो भी नसब होती है, जुमला फेलिया में मफूल बन रहा हो तो भी नसब होती है, और अगर उससे पहले हर पे जर हो तो फिर वो जर की हालत होती है। ठीक है जी, तो ये जमा वाले की प्रैक्टिस कीजिए जरा, दो तीन दफा बोले मेरे साथ। रफा की हालत में होगा अल मुस्लिमूना, नसब की हालत अल मुस्लिमीना, अल-मुस्लिमीना की हालत अल-मुस्लिमीना,
डर की हालत अल-मुस्लिमीना, एक बार फिर बोले रफा की हालत अल-मुस्लिमीना, नस्ब की हालत अल-मुस्लिमीना, जर की हालत अल-मुस्लिमीना। अब अल-मुस्लिमूना है तो इसके शुरू में ली लगाना है, तो क्या बनाएंगे फिर ली के बाद? लिल-मुस्लिमीना, मीना, लिल-मुस्लिमीना नहीं होगा ना फिर, ली के बाद ली हर्फ जर आ गया तो ये बन जाएगा लिल-मुस्लिमीना, इसने अब जर की हालत में आना है लिल-मुस्लिमीना। तो लिल-मुस्लिमीना का तर्जुमा क्या करेंगे? मुसलमानों के लिए। अल-मुमिनूना के साथ ली लगाएंगे तो क्या बनेगा? लिल-मुमिनीना, मोमिनों के लिए। अस्सालिहूना के साथ ली लगाएंगे तो क्या बनेगा? सालिहीना, नेक लोगों के लिए, नेकों के लिए। अन्नासिरूना के साथ लगाएंगे ली तो लिन्नासिरीना, मदद करने वालों के लिए। अच्छा मिन आ गया, तो अल-मुस्लिमूना के साथ जब मिन लगाएंगे तो फिर क्या होगा? मिनल मुस्लिमीना, क्या तर्जुमा होगा मिनल मुस्लिमीना का? मुसलमानों में से, ठीक है। वो खाने के बाद की दुआ में क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमना वजअलना मिनल मुस्लिमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें खाना खिलाया और पिलाया और हमें बनाया। मिनल मुस्लिमीना, मुसलमानों में से बनाया, ठीक है जी। अल-मुमिनूना के साथ जब मिन लगेगा तो मिनल मुमिनीना, मोमिनों में से। अस्सालिहूना के साथ मिनस सालिहीन। अन्नासिरूना के साथ मिनन नासिरीन। अल-मुशरिकूना के साथ लगाएं मिन तो क्या बनाएंगे? अल-मुशरिकीना। अल-फासिकूना के साथ लगाएं तो अल-फासिकीना। ये किसी का माइक शोर कर रहा है, काइंडली माइक कंट्रोल में रखिए। अच्छा अब कुरान से मिसालें देखें। हुदन लिल मुत्तकीना, ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए, डरने वालों के लिए। तो लिल मुत्तकीना जर की हालत है। वमा हुम बिमुमिनीना, बा हर्फ जर आया तो बिमुमिनीना, मोमिनों में से नहीं है। वकाना मिनल काफिरीना, मिन के बाद अल काफिरीना जर की हालत में आया, ठीक है। वल्लाहु दू फ़ज़लिन अलल मुमिनीना, मोमिनों पर फजल वाला है और अल्लाह फजल वाला है मोमिनों पर। फ़इन्नल्लाहा गनीयुन अनिल आलमीना, अल्लाह ताला गनी है तमाम जहानों से। वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति लनुदखिलन्नहुम फिस्सालिहीना, वो लोग जो ईमान लाए और नेक काम किए हम उन्हें जरूर बिज़रूर दाखिल करेंगे। कहाँ? फिस्सालिहीना, नेक लोगों में। तो ये सारी जर की मिसालें हैं कुरान से। अल्हम्दुलिल्लाह पहला सबक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें कोई बात किसी को ना समझ में आई हो, कोई मजीद समझने की जरूरत हो तो बताइए, हाथ खड़ा करके सवाल कर लें, हम दो मिनट में सवाल लेते हैं। और अगर सवाल नहीं है तो हम दूसरा लेसन स्टार्ट कर लें ब्रेक से पहले। जी कोई सवाल अगर है तो हाथ खड़ा करें, नहीं तो मैं दूसरा लेसन स्टार्ट करूँ। सर मुझे हाथ खड़ा करना नहीं आता है। चलें कौन है सवाल कर लें। जी सर मुझे ये क्या आपने ये जो अभी लेसन पढ़ाया उसका जो का तो रिकॉर्डिंग मिल सकती है? बिल्कुल मिलती है, वो तो रिकॉर्डिंग आ जाती है, हर हफ्ते आती होती है। उसमें कोई चेंजेस नहीं होते? नहीं कोई चेंजेस नहीं होती, सारी मौजूद होगी। जज़ाकअल्लाह हसन, जज़ा मैं देख लूँ। सर मैं आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह मेरी समझ में ले आए, लेकिन ये सब कुछ जो आपको बता रहे थे ना
मैंने जब होमवर्क किया, किताब से देखा, पढ़ा, समझा, तो मैंने होमवर्क कर लिया। लेकिन जैसे आप बताते हैं और सारी बोली जाते हैं ना, वो मुझे समझ तो आ रही है कि मुस्लिमूना मुस्लिमीना बन जाएगा, मिनल मुस्लिमीना, लेकिन इसकी कोई क्या लॉजिक है और क्या रहेगा? अगर मैं जैसे कोई फाइनल क्विज या कोई मिड क्विज दूंगी तो मुझे ये याद, छोटी छोटी इस तरह की बातें नहीं रहेंगी मेरी। क्यों नहीं होंगी याद? क्यों नहीं होंगी याद? कि मैं अपनी स्टाफ मेरे सामने खड़ी होती है, मैं पेशेंट की वो पर्ची पे लिखती हूँ, ना मुझे डेट याद रहती है, ना आज का महीना याद रहता है, ना सन याद रहता है, जो मेरे सामने खड़ा है याद रहेगा। ये याद रहेगा डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह ये याद रहेगा आपकी दुआ से इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह इसको इतनी बार रिपीट करेंगे, हर क्लास में रिपीट करेंगे कि इंशाल्लाह ये आपके जहन में बिल्कुल ऐसे याद हो जाएगा जैसे आपको सूरह फातिहा याद है इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह। और यही कैफियत मेरी भी है कि मुझे कुछ याद नहीं रहता है कि मैं कब पढ़ी थी। हम बार 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 जब हम रिपीट करेंगे तो इंशाल्लाह याद रहेगा इंशाल्लाह। चलो सर, बहुत जज़ाकअल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। सर पिछली क्लास का होमवर्क शेयर हो गया था क्या? मैं मिस तो नहीं कर गई सर? वो नहीं आया होमवर्क, नहीं आया पिछले लेसन का, सीडी का, सेक्शन सीडी का नहीं आया सर। सर आप होमवर्क भी लेट भेजते हैं और आप इसकी ये जो है इसकी वो भी लेट भेजते हैं रिकॉर्डिंग। मैं भूल गया, मैं समझ जाता शायद भेजा हुआ है। चलें आ जाएगा तो उसके लिए आपके पास फिर एक वीक एक्स्ट्रा दे देंगे आपको करने के लिए। जी डॉक्टर साहब आपका कोई सवाल है? मैं देना चाहूँ, डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह एक्सीलेंस के मार्क्स लिए थे तो ये उनको याद रहता है। हाँ जी, उनके माशाल्लाह एक्सीलेंस के मार्क्स थे जी। अच्छा ये एक मैसेज था किसी की तरफ से कि आखिरी स्लाइड को एक मरतबा फिर देख लें, तो ये आखिरी स्लाइड हमारे सामने खुली हुई है। वल्लाहु ذو فضل और अल्लाह फजल वाला है अलल मुमिनीना। तो अला के बगैर अगर होता तो अल मुमिनूना होता, अला हर्फ जर आ गया तो इसलिए ये अलल मुमिनीना हो गया। इसी तरह फइन्नल्लाहा गनीयुन, बस बेशक अल्लाह बेनियाज है। तो यहाँ इन्ना वाला जुमला भी आ गया, इन्ना इन्ना का इसम क्या बन रहा है यहाँ पे? अल्लाह, लफ्ज अल्लाह जो है वो इन्ना का इसम बन रहा है और इन्ना की खबर गनीयुन बन रहा है। और अनिल आलमीना ये जार और मजरूर की जोड़ी आ गई है यहाँ पे। वल्लदीना आमनु व अमिलुस्सालिहात और वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, लनुदखिलन्नहुम हम जरूर भी जरूर दाखिल करेंगे उन सब को। कहाँ दाखिल करेंगे? किस सालिहीना, फी हर्फ जर के बाद असालिहूना असालिहीना बन गया, किस सालिहीन नेक लोगों में नेकोकारों में शामिल कर लेंगे। ओके सर, जज़ाकअल्लाह। अच्छा जी, और अब चलते हैं हम दूसरा लेसन हम स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हम ब्रेक कर लेंगे जब नमाज का वक्त आएगा। तो दूसरे लेसन में हमने 17 डी है इशारा और सूरतुल बकरा की आयात नंबर 114 और 115 है। हम इशारात पे आते हैं फौरन। इसमें इशारे हैं यहूद व नसारा लड़े आपस में जो हम पढ़ चुके, जालिम रोके मस्जिद से, ईसाई बनाए बेटा अल्लाह का, बे इल्म कहें बात करे अल्लाह। यहूद व नसारा लड़े आपस में, जालिम रोके मस्जिद से, ईसाई बनाए बेटा अल्लाह का, बे इल्म कहें बात करे अल्लाह। मुख्तसर इशारे, यहूद व नसारा जालिम ईसाई बे इल्म, यहूद व नसारा जालिम ईसाई बे इल्म। तो दूसरा इशारा है जालिम रोके मस्जिद से। अहले किताब के आपस के इख्तिलाफात को जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला उन जालिम लोगों के बारे में गुफ्तगू फरमा रहे हैं जो लोगों को मसाजिद से रोकते हैं। तो जालिम लोग इबादत करने वालों को मस्जिद में दाखिल होने से रोकते हैं, अल्लाह उन्हें दुनिया में भी जलील करेगा और आखिरत में भी उन्हें सजा देगा। और मशरिक और मगरिब अल्लाह ही के लिए हैं, यानी अगर किसी को किसी मस्जिद से रोका जाए और उसने अपनी इबादत करनी है, नमाज पढ़नी है, तो फिर अल्लाह ने तसल्ली दे दी कि कहीं पर भी तुम हो तुम अल्लाह की तरफ, मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही के हैं, कहीं पर भी तुम होगे तो अल्लाह की तरफ ही तुम्हारा रुख रहेगा।
नए अल्फाज यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं, कोई 5, 3, 8, 9 नए अल्फाज नजर आएंगे। और नए अल्फाज की जब हम बात करते हैं तो ये इस हिसाब से नए होते हैं कि इससे पहले ये आयात में नहीं आए हैं, लेकिन बहुत से अल्फाज, क्योंकि हम उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, तो हमारे लिए ये एक प्लस पॉइंट है कि अरबी के बहुत से अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हम उन अल्फाज से अजनबी नहीं होते। तो इंशाल्लाह हमें कोई बहुत ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आने वाली। आइए तिलावत से शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها। और उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह की मसाजिद में जिक्र उसका नाम लेने से रोके और उसके उजाड़ने की कोशिश करे। ये इसका बा मुहावरा तर्जमा हुआ। लफ्ज ब लफ्ज देखें तो वमन और कौन, व मन दो लफ्ज हुए। अज़लमु ज्यादा जालिम, ये कौन सा वाला सीगा बन रहा है अज़लमु, किसी फ़ोर अफ़ाल अफ़ालु वाला सीगा जिसमें हम कंपैरिजन बताते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। वमन अज़लमु और कौन ज्यादा जालिम है, किससे ज्यादा, मिन मन उस शख्स से जो, मिन मन ये दो अल्फाज हैं, मिन प्लस मन दोनों को जोड़ा हुआ है तो ये मिन मन हो गया। उस शख्स से बड़ा जालिम कौन है, किस शख्स से जो कि क्या करे, मना मना किया, रोका, जिसने रोका मना किया, मसाजिद अल्लाह अल्लाह की मसाजिद से, जिस शख्स ने अल्लाह की मसाजिद से रोका मना किया उससे बड़ा जालिम कौन होगा। ठीक है, अच्छा उसने अल्लाह की मसाजिद से किस बात से रोका, अन युज़करा फीहा, अन युज़करा, ये युज़करा फेल है या इसम है, युज़करा मजहूल है, मजहूल फेल है, अन्ना के साथ आ रहा है। अच्छा फेल मजहूल अगर, तो इसका फिर मालूम क्या बनेगा, ज़करा नहीं, युज़करा है ना, युज़करा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, एक तो फेल भी मजहूल है और दूसरा क्या हो रहा है, इससे पहले तो फिर क्या बनता है, हथौड़े वाला काम होता है, हथौड़े वाला काम होता है। तो आई युग करा के जिक्र किया जाए, याद किया जाए और बोला जाए, फी हा उनमें, किन में, फी हा से क्या मुराद है यहाँ पे, हा किसकी तरफ, मस्जिद में, मसाजिद के लिए, मसाजिद जमा मुकसर है, मुकसर है सर, इसलिए जमा मुकसर है, मसाजिद जमा मुकसर है, तो इस वाहिद मुअन्नस यूज करेंगे, वाहिद मुअन्नस यूज होगा। अच्छा तो मसाजिद की अगर हम बात करें तो मसाजिद का जो जमा है तो इसका वाहिद क्या है, फिर मस्जिद, ये इस समय मकान है, इसमें मकान, मस्जिद मकान, और इसका फेल क्या बनता था, सजदा, यस्जुदु। तो हमने जो रूल पढ़ा था उसके मुताबिक तो ये मफ़अल नहीं होना चाहिए था, मस्जिद, मस्जिद क्यों होता है सर, ये एक्सेप्शन, मशरिक मग़रिब और मस्जिद, जिसमें फेल जो है रेपिटेशन से हो रहा है, नहीं 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 ये रेपिटेशन की बात नहीं है, ये एक्सेप्शन की बात है, अरब सर इसी तरह पढ़ते हैं, अरबों ने इसी तरह पढ़ा है। तो आप लोगों को माशाल्लाह से किसी फोर याद है, मैं परेशान हूं, इतना अच्छा पढ़ाया था, इतना अच्छा पढ़ाया था, मैंने तो क्या पढ़ाया था, असल में आप लोगों ने समझा अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को मजीद बरकत दे, आपने समझाया तो हमने कोशिश की समझने की और याद करने की, इस्मुहु उसका नाम, उसमें जिक्र किया जाए उसका नाम, किसका नाम, अल्लाह का, अल्लाह ताला का नाम, हु से मुराद यहाँ अल्लाह सुबहान ताला है। वसा और कोशिश की, ये सा जो है ये रिलेटिवली नया फेल आ रहा है हमारे पास, सा इसका जो है वो फेल बना है सा यस आ, सा यस आ इस आ साइन,
और मसा या मसयुन और सायुन बनता है कोशिश करना। फतह से बनेगा ये टेबल, फतह यफ्ताह वाला पैटर्न बनेगा सा यसा। सही हम कहते हैं कोशिश, है ना, सही करते हैं सही, इसका मसदर मसदर बनेगा इसका, वो मसदर, वो मसदर है। वसा और उसने कोशिश की, फी खराबी हा उसकी खराबी, खराबी हम उर्दू में भी बोलते हैं खराबी, उजाड़ देना। तो ये तीन टुकड़े हैं, फी खराबी और हा उनकी खराबी, उनके उजाड़ने में। तो यहाँ भी हा से मुराद मसाजिद है, मसाजिद। तो सबसे बेहतरीन अमल अल्लाह को याद करना है, उसके ऑपोजिट क्या होगा कि सबसे बदतरीन काम किसी को अल्लाह की याद से रोकेंगे अगर किसी को। अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद तमाम अच्छाइयों की बुनियाद है, तो अल्लाह की याद से रोकना तमाम बुराइयों की बुनियाद है। इसलिए हर नेक और अच्छे काम की इब्तिदा अल्लाह के ताल्लुक से ही होती है, और अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत होगा तो हम अच्छे काम करेंगे। मस्जिदें बहुत ही मुकद्दस और बाबरकत जगह होती हैं, और इसका एहतराम भी करना चाहिए बहुत ज्यादा। मस्जिद की बे एहतरामी करना बड़े घनाउने गुनाहों में से एक है। अल्लाह ताला हम सबको इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ मसाजिद अल्लाह को बात को कैसे रिलेट करेंगे कि मुशरिकीन मक्का जो थे वो मुसलमानों को काबा यानी मस्जिद अल हराम में दाखिल होने से रोकते थे। वो मस्जिद हराम में दाखिल होकर मुसलमानों ने क्या करना था, अल्लाह को याद करना था, तो वो उनको रोक रहे थे। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि उनसे बड़ा जालिम कौन है, वो बड़े ही मुजरिम लोग थे। तो तसव्वुर और एहसास करें जरा, उस मंजर को जहन में लाएं कि सहाबाए किराम अल्लाह के घर की जियारत और वहां इबादत करना चाहते हैं लेकिन उनको रोक दिया जाता है। एक तो यह है ना कि हम यहाँ पर बैठे हुए दूर हैं और हमें रोका जाए, वो एक अलग चीज है। जरा तसव्वुर में लाएं कि उसी इलाके में रह रहे हैं और मस्जिद अल हराम को देख तो सकते हैं लेकिन अंदर नहीं जा सकते, तो क्या उनकी कैफियत हुआ करती होंगी, कितनी उनके लिए आजमाइश और मुश्किल होगी। कि अल्लाह ने फरमाया कि इनसे बड़ा जालिम तो कोई हो ही नहीं सकता जो अल्लाह के घर में दाखिल होकर अल्लाह की इबादत और अल्लाह की याद से रोकते हैं। तो आयत के इस हिस्से को पढ़ें, उसके बाद ब्रेक करते हैं, पढ़ लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाहि अन युज़्कर। और कौन ज्यादा जालिम है उससे जिसने मना किया अल्लाह की मसाजिद से कि जिक्र किया जाए। उसमें जिक्र किया जाए उसका नाम और कोशिश की उनके उजाड़ने की। तो यहां तक ही हम रखते हैं, इधर हम लेते हैं वक्फा और ब्रेक। 7:15 हो चुके हैं, हम वापस आएंगे 7:45 पे हम वापस आएंगे मगरिब के और ब्रेक के बाद। सुभानअल्लाह व बिहम्दी, सुभानकअल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुक व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम। एक सवाल था सर, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد ویلکم بیک جی بریک کے بعد آپ سب لوگوں کو دوبارہ سے خوش آمدید آئی ہوپ اکثر لوگ موجود ہیں آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک الحمدللہ تو آیت کے اس حصے تک ہم پڑھ چکے تھے یہیں سے آگے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے مناسب نہیں تھا روا نہیں تھا کہ وہ اس میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے, उनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में बड़ा अजाब है। यानी जो लोग अल्लाह की मसाजिद से रोकते हैं उन लोगों के लिए होना तो ये चाहिए था कि वो मस्जिद में दाखिल हों, मस्जिद हराम में, तो डरते हुए दाखिल हों, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया
तब दुनिया में भी उनके लिए रुसवाई और आखिरत में भी बड़ा अजाब उन्हें मिलने वाला है। आवाज आ रही है जी? चैट में मैसेज आ रहा है कि आवाज नहीं है? आ रही है सर, ठीक आ रही है, आवाज सही आ रही है सर। तो फिर इनको कैसे पैगाम दिया जाए? चैट में कोई इनको रिप्लाई कर दें। सिस्टर आलिया शायद कह रही हैं कि आवाज नहीं है, तो उनसे कोई कह दें कि एक दफा लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें। आइए लफ्ज बर्ब देखिए, उलाइका। उलाइका वैसे दूर के लिए है, लेकिन कुरान का उसलूब है कि ये इस अंदाज से बात करता है बाज़ औक़ात। इसमें एक किस्म की जो वो एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं बलागा, कि अपनी बात के अंदर जो वो वजन पैदा करने के लिए और फीलिंग्स को का इजहार करने के लिए बाज़ औक़ात कुछ खास अंदाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये उसी अंदाज से है कि अगरचे बात तो हो रही है इन लोगों की, लेकिन दूर का इशारा किया जाए, गोया नाराजगी का इजहार है। तो उलाइका ये वो लोग थे, ये वो लोग है, मा काना लहुम नहीं है उनके लिए, मा काना ल और हुम चार टुकड़े बनेंगे, मा नहीं है काना था, मा नहीं काना था लहुम उनके लिए, क्या नहीं था, अन यदखुलू हा, तीन टुकड़े बन रहे हैं, अन यदखुलू हा के दाखिल होते वहां उसमें, यानी उन मसाजिद में ये दाखिल होते, इल्ला मगर खाइफीना, खाफा या खाफू से खाइफ और उसकी जमा खाइफीना, डरते हुए डरने वाले, लहुम उन सब के लिए, फिर दुनिया दुनिया में खिज्यन रुसवाई है, खिज रुसवाई को कहते हैं, वलहुम और उनके लिए, फिल आखिरती आखिरत में, अजाबुन अजीमुन बड़ा अजाब है, अजाब है बड़ा। तो लोगों को अल्लाह के जिक्र से रोकने वाले और मस्जिदों को जाने से रोकने वाले लोग पत्थर दिल जालिम और मुजरिम हैं, उनका मुकद्दर इस दुनिया में जिल्लत और रुसवाई और आखिरत में सख्त तरीन अजाब है। दुनिया की रसवाइयाँ हम भी देखते हैं कि जो शख्स लोगों को मसाजिद से रोकता है उसे हमारे माशरे में जो संजीदा और सलीम उलफितरत लोग हैं वो उसको अच्छा नहीं समझ रहे होते। तो ये दुनिया की रसवाई है और आखिरत में अगर वो इसी रवैये पर इस दुनिया से गया लोगों को मसाजिद से रोकते हुए, तो आखिरत में फिर उसके लिए दर्दनाक अजाब है, बड़ा अजाब होने वाला है। इस हिस्से को पढ़ें एक मरतबा, फिर अगली आयत पे चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उलाइका मा काना लहुम अन यदखुलूहा, ये लोग न था उनके लिए कि वो दाखिल होते वहां, इल्ला खाइफीन मगर डरते हुए, लहुम फिद दुनिया खिज्युन उनके लिए दुनिया में रुसवाई है, وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بڑا۔ الحمدللہ۔ اور دوسری آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ अल्लाहुल्अज़ीम और अल्लाह ही के लिए है मशरिक और मगरिब, सो जिस तरफ भी तुम मुंह करोगे तो वहीं है अल्लाह का चेहरा, बेशक अल्लाह वसत वाला और जानने वाला है। वलिल्लाहि वलिल्लाहि और अल्लाह ही के लिए, अलमशरिकु मशरिक, वलमगरिबु और मगरिब, फअयनमा अयनमा का माना है जिस तरफ भी, जहां कहीं भी, जिस जानिब भी, फ और अयनमा ये दो अल्फाज होंगे, एक है फा और दूसरा अयनमा। ये अयनमा अल्दो अयना और मा का मजमुआ है, लेकिन जब ये दोनों को इकट्ठा कर लिया जाए तो इसको फिर एक ही लफ्ज के तौर पर लिया जाता है, अयनमा एक ही लफ्ज लिया जाएगा इसको, जहां कहीं भी जिस तरफ भी। तुवल्लू, ये तुवल्लू असल में था तुवल्लूना, तो अब कोई बता सकता है कि ये तुवल्लूना कौन से टेबल से आया होगा? तवल्ला, वल्ला,
वल्ला के टेबल से, वल्ला युवल्ली से, वल्ला युवल्ली युवल्लूना तुवल्ली उवल्ली तुवल्लूना तुवल्लूना, तो यहाँ पर इसका नून ड्रॉप हुआ हुआ है तुवल्लू, छुरी वाला काम हो रहा है। फाइनामा के फिर दो टुकड़े होंगे, फाइनामा इसके दो टुकड़े होंगे, दो टुकड़े बनेंगे फा और ऐनामा, दो टुकड़े। ठीक है सर। तुवल्लूना के आखिर से नून क्या हुआ है, छुरी वाला अमल हुआ है। ये ऐनामा हमने जो शर्त वाले अल्फाज पढ़े थे इन मन मा वगैरह, तो उनमें एक और ऐड हो गया यहाँ पे ऐनामा, ये भी डबल छुरी वाला काम करता है, यानी इसके बाद अगर दो फेल मुदारे आ रहे हों तो ये दोनों के ऊपर छुरी वाला अमल करेगा। तो यहाँ दो नहीं है, एक ही आ रहा है तुवल्लूना, हाँ तो उसी पर उसने छुरी का अमल किया, दूसरी छुरी वाला अमल नहीं हो सका यहाँ, क्योंकि कोई और फेल मुदारे था नहीं। ठीक है जी। तो तुवल्लू जहां कहीं भी तुम रुख करोगे, फा सम्मा, सम्मा वहां उस जगह, देर का माना है, फा और सम्मा दो अल्फाज है यहाँ भी, फा तो सम्मा वहां, एक होता है सुम्मा, सुम्मा पेश के साथ जब हो तो उसका माना होता है फिर, अगर पेश के साथ। आवाज कट रही है, आवाज ठीक है, कट रही है या सही है आवाज? जी सर पहले कुछ पिछला सेंटेंस सुनाई दिया, हमें तो सही आ रही है सर। तो फिर जिनको नहीं आ रही वो अपने एंड पे भी चेक कर लें, इंटरनेट का कोई इशू ना हो, तो लोकेशन अब ठीक हो गई है, अब सर ठीक आ रही है, अब ठीक आ रही है। ऐनमा तुवल्लू, तुम जिस तरफ भी मुंह करोगे, फसम्मा तो वहां है, वजहुल्लाही अल्लाह का चेहरा। ब्रेक पर जाने से पहले किसी ने क्वेश्चन किया था कि हमने तो जर की वजह पढ़ी है कि हर्फ जर हो, तो वहां आया था मसाजिद अल्लाही में अल्लाह के नीचे जेर आ रही है, यहाँ भी वजहुल्लाही में भी अल्लाह के आखिर में जेर है, तो इसकी क्या वजह है? तो जवाब यही दिया था कि अगले असबाक अभी बाकी हैं, वहां पर हम मजीद पढ़ेंगे कि और कौन सी वजह हो सकती है किसी इस्म के आखिर में जेर आने की। फिलहाल सिर्फ हम तर्जुमा देखते हैं, बाकी ये कैसे बना है इसको फिर हम आगे चलकर अगले असबाक में देख लेंगे। वजहुल्लाह अल्लाह का चेहरा, इन अल्लाह बेशक अल्लाह, वासिउन वसत वाला है, अलीमुन जानने वाला है, ये इन्ना वाला जुमला यहाँ पर आ गया, इन्ना वाला जुमला, तो इन्ना का इस्म और खबर बता सकते हैं यहाँ पर क्या है? इन्नल्लाह वासिउन अलीम में इन्ना की खबर है सर, अल्लाह हाँ आ गया ना, ये इन्ना की इस्म बन गया है, वासिउन अलीमुन इसकी खबर है दोनों। वास अच्छा, यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि इन्ना की दो खबरें आ रही है जी, दो खबर, इन्ना का इस्म हो गया लफ्ज़ अल्लाह, और इन्ना की खबर नंबर वन वासिउन और खबर नंबर टू अलीमुन। तो एक बात और पता चली कि जरूरी नहीं है कि किसी जुमले के अंदर सिर्फ एक ही खबर होगी, बल्कि एक से ज्यादा खबरें हो सकती हैं। ठीक है, इन्नल्लाहा गफूरुन रहीमुन अलीमुन करीमुन, ये सारी उसकी खबरें बन जाएंगी। तो इन्ना हो या कोई भी सादा जुमला भी हो, अगर जुमला इस्मिया अल्लाहु गफूरुर रहीमुन, तो वहां पर भी दो जो है वो खबरें बन सकती हैं, मुब्तदा एक होगा लेकिन उस एक मुब्तदा की खबरें एक से ज्यादा हो सकती हैं। तो यहाँ पर भी मुब्तदा के साथ इन्ना ले आए थे तो इन्ना का इस्म बन गया था, तो इन्ना के इस्म की एक से ज्यादा खबरें हो सकती हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ वक्त तक बैतुल मक़दस की जानिब रुख करके नमाजें अदा फरमाई, यहाँ तहवील क़िबला की भी तरफ जो है वो बात हो रही है। तो इब्तिदा में कुछ अरसे तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख जो है वो बैतुल्लाह की बजाय बैतुल मक़दस की तरफ मस्जिद अक्सा की जानिब रुख करके नमाज पढ़ते थे, फिर उसके बाद क़िबला का हुक्म तब्दील हो गया कि अब बैतुल्लाह को क़िबला बना लिया जाए। उस वक्त मुसलमान काबा की जानिब रुख कर कर नमाज उस वक्त से अब नमाज पढ़ते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो। इस तरह से तमाम जहतें अल्लाह ही के लिए हैं, यानी पूरी दुनिया के हर हिस्से से लोगों का रुख बैतुल्लाह की तरफ हो रहा है, अल्लाह के घर की तरफ हो रहा है, तो सब की सब जहतें अल्लाह की जानिब मुतवज्जे हैं। जहां तक बात क़िबला की है, तो हम नमाज में काबा की तरफ रुख करते हैं,
ट्रेन हो या हवाई जहाज हो, सफर के दौरान अगर किसी मौके पर ऐसी सूरत हाल बन जाए कि किबला की तरफ रुख करना मुमकिन ना हो, यानी पता ना हो, मालूम ना हो कि यहाँ पर किबला किस तरफ बन रहा है, तो कोई माकूल उजर हो तो जिस जानिब भी हो उसी तरफ रुख करके नमाज पढ़ लेनी चाहिए, लेकिन नमाज को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, आप सफर में हैं और सफर भी ऐसा है कि आपको मालूम है कि हमारा ये सफर खत्म होते होते नमाज का वक्त भी खत्म हो चुका होगा, तो ऐसी सूरत में जहां हैं और जिस तरफ भी रुख है वहीं बैठे बैठे जो ये अंदाज से नमाज पढ़ लेनी चाहिए। लेकिन अगर ये यकीन है कि हम असर की नमाज का वक्त है मिसाल के तौर पर, तो असर का वक्त खत्म होने से पहले पहले हम किसी जगह पर ठहर सकते हैं जहां पर हम क़िबला का रुख मुतय्यन मालूम करके नमाज पढ़ सकते हैं, तो फिर उस तरह से कर लिया किया जा सकता है। लेकिन अगर सफर के दौरान रुख का पता नहीं है क़िबला के और किसी भी तरफ रुख किए हुए नमाज पढ़ ली है, तो नमाज पढ़ना दुरुस्त है, पढ़ लेनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शहरों में अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह मस्जिदें हैं, यानी किसी भी इलाके का सबसे पसंदीदा मकाम वो है जहाँ मस्जिद है, और सबसे ज्यादा नापसंदीदा जगह अल्लाह के नज़दीक बाजार है। तो यह हदीस हमें क्या दावत फिक्र देती है कि हम सोचें हमारा ज्यादा वक्त कहाँ गुजरता है, अल्लाह की पसंदीदा जगह पर गुजरता है या अल्लाह की नापसंदीदा जगह पर? अनफॉर्चुनेटली नापसंदीदा जगह पर, वो नापसंदीदा जगहों पर ही ज्यादा हमारा आना जाना रहता है। मस्जिद में हम होना ये चाहिए कि हमारा ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजरे और बकदर जरूरत बाजार जाएं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि हमारा ज्यादा वक्त बाजार में गुजरता है, बकदर जरूरत सिर्फ मस्जिद में चले जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमा दे और हमारी दुरुस्तगी भी हो जाए, सही हिदायत के रास्ते पर चलने वाले हों हम सब। पढ़ लीजिए इस आयत को, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, अल्लाह ही के लिए है मशरक और मगरब, तो जिस तरफ तुम मुंह करोगे तो वहां ही है अल्लाह का चेहरा। إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ, बेशक अल्लाह वसत वाला है, जानने वाला है। असबाब एक मरतबा फिर देखिए, जालिम लोग इबादत करने वालों को मस्जिद में दाखिल होने से रोकते हैं, अल्लाह उन्हें दुनिया में भी जलील करेगा और आखिरत में उन्हें सजा देगा, और मशरिक़ व मगरिब अल्लाह ही के लिए हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम में मस्जिदों से मोहब्बत पैदा फरमा दीजिए और 5 वक्त की नमाजें मस्जिद में अदा करने में हमारी मदद फरमाइए और तौफीक अता फरमाइए। और प्लान बनाया जाए कि इंशाल्लाह मैं मस्जिद में आने वाले मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह, और लोगों को मस्जिद में आने की दावत देंगे इंशाल्लाह। मुलाकात तभी होगी जब हम मस्जिद जाएंगे, मस्जिद में जाना, वहां पर लोगों को भी अल्लाह ने बड़ा जबरदस्त एक सिस्टम दिया है हमें मस्जिद का, कम्युनिटी सेंटर के तौर पर इसको यूज किया जाए। जो लोग मस्जिद में तवातुर से आते जाते हैं उनको आसपास के हालात का, माहौल का इल्म रहता है, अपने अड़ोस पड़ोस का, पड़ोसियों के बारे में उनको इल्म रहता है कि हमारे पड़ोस में फलां शख्स हैं, फलां साहिब है, उस घर में क्या मसाइल चल रहे हैं, क्या चल रहा, इससे एक दूसरे की हम मदद कर सकते हैं, एक दूसरे के हालात से बाखबर रहते हैं। तो मस्जिद एक अल्लाह ने हमें ज़बरदस्त जो है वो एक चीज़ दी है कि जिसमें हम एक दूसरे का सुख दुख के साथी बन सकते हैं। असमा देख लीजिए जी, अज़लम, ये ज़ालिम का इस्म तफ़दील आ रहा है, अज़लम ज़्यादा ज़ुल्म करने वाला, ज़ालिम उनसे अज़लमु। हम ये जानते हैं कि अफ़ालू के पैटर्न पर आने वाले अस्मा के आखिर में तनवीन नहीं आती, तो अज़लमु इसीलिए आया यहाँ पर। मसाजिद, ये मस्जिद की जमा है मसाजिद, और इस्म की जमा क्या आती है, इस्म की जमा अस्मा, और मशरिक की जमा मशारिक, मगरिब की जमा मगारिब, वजह की जमा वुजूहुन, वजहुन की जमा वुजूहुन। अफाल में सेहतमंद अफाल मनाअ, ये फतह के पैटर्न से बनेगा, मनाअ यमनाउ इमना मानिउन ममनूउन मनउन, मनाअ यमनाउ इमना मानिउन ममनूउन मनउन।
उर्दू में इसमें से कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है? मना, दोनों ही होते हैं। मना और ममनू, मना करना और ममनू भी कहते हैं। ये ममनुआ इलाका है, ममनुआ चीज है, इस ये ममनू, ये काम जो है वो ममनू है, जो चीज मना हो जाए। जी, तो ये हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। युज़कर, ये ज़कारा से आया है, ज़कारा यज़कुरु उज़कुर ज़ाकिर मज़कूर ज़िक्र याद करना। खराब, समिया से बनेगा क्या? खरीबा यखरबु इखरब खरीबुन डैश खराबुन, खरीबा यखरबु इखरब खरीबुन, खारिबुन नहीं होगा, खरीबुन होगा, और इसमें मफ़ऊल नहीं इस्तेमाल होगा, खराबुन वीरान होना। हम लाजिम और मुतअद्दी का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं क्यूसी फोर में, तो उसकी एक पहचान ये भी है कि जिन अफ़ाल का तर्जुमा होने वाला कर रहे हैं हम, खरीबा वो खराब हुआ, वो खराब मफ़ऊल नहीं इस्तेमाल होते, ऐसे मफ़ऊल इस्तेमाल नहीं करते तो वो फ़ेल लाजिम आता है, और जिस फ़ेल के तर्जुमे में हम ने वका लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उसने मदद की, उसने मारा, उसने खोला, उसने सुना, उसने जाना, तो ने वाला लफ्ज जहाँ पर आता है वो आमतौर पर तकदी होंगे और उनका मफ़ऊल भी होगा, उनका मफ़ऊल बनता है। और दखला, ये नसरा से आता है, दखला यदखुल अज़ीम, ये करुमा से हमने पढ़ा है, अज़ुमा यअज़ुमु उज़ुम अज़ीमुन डैश इज़ामुन, अजीम होना, बड़ा होना। कमजोर अफ़ाल में सआ आया है, ये सआ ही इसका रेफरेंस भी बनेगा, ये पूरा टेबल बनेगा सआ, यानी इसका माजी जो बनेगा वो हदा की तरह बन जाएगा, जैसे हदा से माजी की जमा क्या बनती थी, हदा से हदऊ, हदईता, हदईतु, हदईतुम, हदईना, तो सआ का भी इसी तरह माजी बनेगा सआ, सआउ, सआईता, सआईना। लेकिन मुदारे और उससे आगे बाकी सारा टेबल बनेगा, तो जैसे हमने बनाया था रदिया यरदा, तो ऐसे बनेगा यसआ, तो यरदा की जमा क्या बनाई थी, दा, यरदा से जमा दौना, यरदौ, 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 ऐसे ही यसआ, यसआउना, तसआ, असआ, तसआउना, नसआ, फेले अमर भी उसी तरीके से रदिया यरदा इरदा, तो सआ, यसआ, इसआ, इसआ, इसआउ, ला तसआ, ला तसआउ, साइन, मसईयुन, इलैही, साइन, कोशिश करना, मसईयुन, जिसकी कोशिश की जाए, तो ये इला के साथ मोस्टली इस्तेमाल होता है, कोशिश करना। और काना तो हर दूसरी लाइन में नजर आता है, खाइफीन, ये खाफा का टेबल है, खाफा या खाफू, खफ, खाइफ डैश खौफ, खाफा या खाफू, खफ, खाइफुन डैश खौफ, वो डरा। और मजीद फी में तुवल्लू, ये वल्ला वाला पैटर्न हम बात कर चुके हैं, वल्ला, युवल्ली, वल्ली, मुवल्लिन, मुवल्लन, तौलियतुन, फेरना। और इसके अलावा बाकी छुरी वाले अल्फाज, हथौड़े वाले अगर हम देखें तो दो जगह पर हथौड़े वाले आए हैं, एक अन युज़करा में और दूसरा अन यदखुलू में, और छुरी वाला आया है अइनमा तुवल्लू, इसकी हम बात कर चुके हैं। अब उसके अलावा हम जोड़ियां पढ़ चुके हैं, तो इसमें जार और मजरूर की जोड़ी कहाँ कहाँ नजर आ रही है, जी ढूंढें जरा इन दो आयतों में। मिम मन मना सबसे पहला हो गया मिम मन, लेकिन इसमें हमें कोई जेर नजर नहीं आ रही, और चले आगे, लिल्लाही, लिल्लाही, इससे पहले कोई और नहीं है, क्या ना, फी खराबी, इसी तरह ये फिर दुनिया भी है, लेकिन ये कुछ चीजें हम एक्सेप्शन पढ़ेंगे, ये भी है, इसी तरह ये मिम मन फी हा,
फिल आखिरती, ये सारी जार और मजरूर की जोड़ियां आ रही हैं। इसमें से कुछ ऐसी हैं जो हमने बाद में देखनी है, एक मिमन वाली ये क्या है, और फी हा वाली, और ये एक फिर दुनिया वाली, इसके बारे में डिटेल्स हम बाद में देखेंगे। तो जिसमें हमें सामने सामने नजर आ रहा है कि फी हर्फ जर के बाद जर की हालत में जेर नजर आ रही है, वो है एक फी खराबी, फिल आखिरती और लिल्लाही। समझ में आ रहा है? ठीक हो गया। फी खराबी और हा को हम फिलहाल छोड़ देते हैं, फी खराबी तक रहे। इसी तरह फिल आखिरती, आखिरती के आखिर में जो जेर आ रही है ये फी की वजह से है। इसी तरह लिल्लाही में ली प्लस अल्लाह है तो लिल्लाही। कोई सवाल किसी का? ओके जी, इसके साथ हमारा आखिरी पोर्शन आ गया ग्रामर वाला। इसमें हमने ग्रामर पढ़नी है, अस्मा के रफा नसब और जर को हमने पहचानना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। वाहिद अस्मा जब रफा नसब और जर में होते हैं तो उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे मुख्तलिफ अल्फाज के साथ। तो हम ये जानते हैं सर्फ और नहव दो अहम हिस्से हैं। सर्फ में क्या होता है कि मादे के हरूफ को मुख्तलिफ शक्लों में ढालकर अल्फाज बनाए जाते हैं, जैसे फाइन लाम से फाइल, मफूल, फेल, फालतुम या फालूना वगैरह। और नहव में उन अल्फाज को जोड़कर जुमले बनाए जाते हैं, या उन अल्फाज को पहले जोड़ियों में तकसीम किया जाता है, जोड़ियां बनाई जाती हैं, और फिर उन जोड़ियों के साथ मजीद अल्फाज लगाकर कंप्लीट सेंस वाले जुमले बनाए जाते हैं। और नहव में जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि लफ्ज़ के आखिर के मुतालिक बात होती है कि किसी लफ्ज़ के आखिर में जबर, जेर और पेश की तब्दीली कब और क्यों होगी। यानी हर लफ्ज का जुमले में फाइल, मफूल वगैरह की मुनासिबत से कोई ना कोई महल होगा, तो जिस महल और रोल में वो आ रहा होगा उसके मुताबिक उसके आखिरी हर्फ की हरकत में तब्दीली हो जाती है, और इसको कहते हैं एराब या हालत की तब्दीली, एराब या हालत की तब्दीली। अब तक हमने चार किस्म के जुमले पढ़े हैं। इन जुमलों में सबसे पहला था जुमला इस्मिया, अल्लाहु गफूरन। दूसरा जुमला था इन्ना वाला जुमला, इन्नल्लाह गफूरन। तीसरा था काना वाला जुमला, कान अल्लाहु गफूरन। चौथा जुमला फेलिया, खलकल्लाहुल अर्दा। आगे चलने से पहले हम यहाँ पर एक चीज क्विकली रिवाइज करते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा कि कोई भी इसम है तो वो तीन हालतों में हो सकता है, रफा, नस्ब और जर। रफा की सूरतें कौन कौन सी हैं, कौन कौन से ऐसे रोल्स हैं जब कोई इसम उनमें आए तो वो रफा की हालत में होता है। नंबर वन मुब्तदा, नंबर टू खबर, तीन खबरु इन्ना, चार इस्मुकाना, पांच फाइल। पांच रोल्स हैं कि कोई इसम जब इन पांच में से किसी भी रोल में आ रहा हो तो रफा की हालत में होगा। नसब की वजूहात जो हमने पढ़ी उसमें इस्मु इन्ना, इस्मु इन्ना खबरुकाना, नंबर टू खबरुकाना और मफूल, और नंबर तीन मफूल। और जर की अभी तक हमने एक ही वजह पढ़ी है और वो है हर्फ जर के बाद। ठीक है, ये इसको हमने जाना वो पक्का याद रखना है कि कोई भी इसम जब इस इन इन रोल्स में आएगा तो इसकी ये हालतें होंगी। ठीक है जी, पांच सूरतें हैं कि उनमें जब कोई इसम आता है तो वो रफा की हालत में होगा, मुब्तदा, खबर, खबरु इन्ना, इस्मुकाना और फाइल। ये पांच सूरतें हो गई। तीन सूरतें सवार हम पढ़ चुके हैं कि जिनमें इसम होगा तो नसब की हालत आएगी, इस्मु इन्ना, खबरु काना और मफूल।
ये नसब वाली और जर वाली, इनमें मजीद एडिशन होगी, लेकिन रफा वाली बस यही पांच आपको नजर आएंगी, इसी के गिर्द सारा घूम रहा होगा आगे जितना हम पढ़ेंगे। रफा की यही पांच सूरतें आपको मिलेंगी, बाकी जो जितने भी होंगे कोई इसमें एडिशन आएगी भी अगर तो वो इसी में से किसी एक के अंदर फॉल कर रहा होगा। नसब में मजीद चीजें ऐड होंगी, इसी तरह जर में भी कुछ मजीद ऐड होने वाला है, ठीक है जी। उसके अलावा एक चीज और हम क्विकली रिवाइज करते हैं कि जुमला इस्मिया दो तरह का होगा, इन्ना वाला जुमला और दूसरा आम जुमला इस्मिया, इसको हम कह देते हैं सादा जुमला इस्मिया। सादा जुमला इस्मिया में क्या बातें होंगी, इस्म से शुरू होगा और दो हिस्से, पहला मुब्तदा दूसरा खबर, दोनों हिस्से रफा की हालत में और मुब्तदा मारिफा खबर नकिरा आमतौर पर। चार बातें जुमला इस्मिया की, इन्ना वाला जुमला, जुमला इस्मिया पर इन्ना या उसकी बहनें शुरू में, जुमला इस्मिया के शुरू में, जुमला इस्मिया के शुरू में इन्ना या उसकी बहनें आ जाएंगी और मुब्तदा इस्मु इन्ना बन जाएगा और खबर जो है खबरो इन्ना खबर हो जाएगी। ये इस्मु इन्ना नसब में होगा और खबरो इन्ना रफा में रहेगी। जुमला इस्मिया की दो का वो आ जाता है माने, क्या आ जाता है, बेशक के माने में भी आ जाता है ना, वो तर्जुमे में तब्दीली है। तो ग्रामेटिकली देखते हुए हमें ये जो वो तीन चीजें मिलेंगी, पहला कि जुमला इस्मिया से शुरू के शुरू में इन्ना या उसकी बहनें आ जाएंगी और नाम बदल जाएंगे, मुब्तदा इस्मु इन्ना बन जाएगा, खबर खबरु इन्ना और इस्मु इन्ना नसब की हालत में, खबरु इन्ना रफा की हालत में। उसके बाद हमने पढ़ा दूसरा है जुमला फेलिया, इसके भी इसी तरह से दो हिस्से बनेंगे, काना वाला जुमला ये भी जुमला फेलिया होगा और आम जुमला फेलिया। ये क्या होगा, जुमला इस्मिया के शुरू में काना या उसकी बहनें आएंगी, नाम बदल जाएंगे, मुब्तदा इस्मु काना हो जाएगा और खबर खबरु काना, इस्मु काना रफा की हालत और खबरु काना नसब की हालत। जबकि जुमला फेलिया में फेल से शुरू होगा और फाइल रफा की हालत में, मरफू नसब की हालत में। ये रिवीजन आज हमने लिख कर कर लिया है, आगे भी हम इंशाल्लाह इसको लिख कर भी करते रहेंगे, लेकिन इसको हम हर क्लास में हर ग्रामर के सबक से पहले इन चीजों को दोहराएंगे ताकि ये हमारे जहनों में पक्के से बैठ जाएं, ताकि हम फिर इसी हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जुमले दो ही तरह के हैं, या जुमला इस्मिया है या जुमला फेलिया। तो जुमला इस्मिया के साथ अटैच हो जाएगा इन्ना वाला जुमला और जुमला फेलिया के साथ अटैच हो जाएगा काना वाला जुमला, ठीक है। तो ये हमारा अब तक का जो है वो मुख्तसर सी हमने जल्दी से रिवीजन कर ली। अब हम चलते हैं अगले सबक पर। चार जोड़ियां हमने पढ़नी है, उनमें से पहली जोड़ी हम फिल अर्दी वरी पढ़ चुके हैं। आज के सबक में हमने प्रैक्टिस करनी है वाहिद असमा की
रफा नसब और जर, और कुछ जुमले लेंगे, उन जुमलों के साथ हम इसको रफा नसब और जर में प्रैक्टिस करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे ताकि हमें कॉन्सेप्ट्स वाज़े हो जाएं। हम ये जानते हैं कि जब इसम मुफ़रद यानी वाहिद हो तो उसमें रफा की हालत होगी मुस्लिमुन, नसब की हालत बनेगी मुस्लिमन, जर की हालत बनेगी मुस्लिमिन। लेकिन ये रफा नसब या जर होने के लिए कोई ना कोई वजह होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जहां दिल चाहे वहां पर रफा के साथ लिखें, जहां दिल चाहे नसब में लिख दें, जहां दिल चाहे जर में लिख दें। रफा की कुछ वजूहात हैं जो हमने पढ़ी हैं, 5 वजूहात। नसब की भी कुछ वजूहात हैं जो अभी हमने रिवाइज की। जर की भी वजूहात हैं जो हम पढ़ रहे हैं और आगे भी आती रहेंगी। तो रफा जब आएगा तो, और ये वजूहात कैसे आएंगी, किसी जुमले में जब रखेंगे तो तभी कोई ये सब मुब्तदा बनेगा या खबर बनेगा या फाइल बनेगा या मरफूल बनेगा। तो अब हमने इन जुमला अल्फाज को जुमलों में रखकर प्रैक्टिस करना है। पहले हम इसकी यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं 2 से 3 बार वाहिद अस्मा के साथ। तो मुस्लिमुन अगर तो रफा में रहेगा या मुस्लिमुन, नसब में मुस्लिमन, जर में मुस्लिमिन। रफा की हालत मुस्लिमुन, नसब की हालत मुस्लिमन, जर की हालत मुस्लिमिन। रफा की हालत मुस्लिमुन, नसब की हालत मुस्लिमन, जर की हालत मुस्लिमिन। रफा मुस्लिमुन, नसब मुस्लिमन, जर मुस्लिमिन। अब इसको जुमले में लेते हैं तो जुमला जाआ मुस्लिमुन। जाआ है फेल, आया कौन, आया मुस्लिमुन, आया एक मुसलमान। तो अब यहां पर मुस्लिमुन बतौर फाइल इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसको हम पेश के साथ लिखेंगे जाआ मुस्लिमुन, जाआ मुस्लिमुन। अब यहां से आगे जो हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हम फेल का जो इशारा जाआ का, हमने ये इशारा किया था जा, ये इशारे छोड़ देंगे। अब हम ये रफा नसब और जर वाले इशारों पर ज्यादा फोकस करेंगे ताकि हमारे जहनों में चीजें अच्छे तरीके से वाजे हो जाए। तो इशारा करें मेरे साथ, दोहराएं भी, जाआ मुस्लिमुन, जाआ मुस्लिमुन। तर्जमा होगा, अच्छा तर्जमा बाद में देखें, जाआ मुस्लिमुन। अगला जुमला रआ ज़ैदुन मुस्लिमन, रआ देखा, किसने देखा, ज़ैदुन, ज़ैद ने देखा, किसको देखा, मुस्लिमन, एक मुसलमान को देखा। तो यहाँ रआ फेल था, ज़ैदुन फाइल है, इसलिए रफा की हालत में आ गया, और मुस्लिमन जो हमारा प्रैक्टिस का वर्ड है ये यहाँ पर बतौर मफूल के आ रहा है, इसलिए नसब की हालत में चला गया, मुस्लिमन हो गया। अगला जुमला देखें, समिया ज़ैदुन मिन मुस्लिमिन, यहाँ समिया फेल, सुना किसने, ज़ैदुन, ज़ैद ने सुना, किससे सुना, मिन मुस्लिमिन, तो मिन के बाद आया मुस्लिम, जर की हालत में मिन मुस्लिमिन हो गया। तो बेसिकली हमारा इन 3 जुमलों में प्रैक्टिस का लफ्ज जो असल में है, जहाँ हालतें चेंज हो रही हैं, वो मुस्लिम है। ये एक जगह मुस्लिमुन है, दूसरी जगह मुस्लिमन है, तीसरी जगह मुस्लिमिन है। तो तर्जुमा 3 जुमलों का आपके सामने, जाआ मुस्लिमुन, एक मुस्लिम आया, रआ ज़ैदुन मुस्लिमन, देखा ज़ैद ने एक मुस्लिम को, समिया ज़ैदुन मिन मुस्लिमिन, सुना ज़ैद ने एक मुस्लिम से। इन जुमलों को 2 बार दोहराएं मेरे पीछे, जाआ मुस्लिमुन, रआ ज़ैदुन मुस्लिमन, समिया ज़ैदुन मिन मुस्लिमिन, जाआ मुस्लिमुन, रआ ज़ैदुन मुस्लिमन, समिया ज़ैदुन मिन मुस्लिमिन। अब मैं अरबी बोलता हूँ, आप लोग तर्जुमा कीजिए, जाआ मुस्लिमुन, तर्जुमा करें, एक मुस्लिम आया, मुस्लिम आया, रआ ज़ैदुन मुस्लिमन, समिया ज़ैदुन मिन मुस्लिमिन, मुस्लिम से। वो था बगैर अल के, अब है अल के साथ, अलिफ लाम के साथ जब होगा तो, अलिफ लाम के साथ होगा तो क्या होगा, आखिर से तनवीन चली जाएगी, मुस्लिमुन की बजाय हो जाएगा अल मुस्लिमु। तो रफा अल मुस्लिमु, नसब अल मुस्लिमा, जर अल मुस्लिमे, रफा अल मुस्लिमु, नसब अल मुस्लिमा, जर अल मुस्लिमे, रफा अल मुस्लिमु, नसब अल मुस्लिमा, जर
المسلمين المسلم المسلمة المسلمين اب المسلم کے ساتھ یہی جملے فعل لگا کر جا المسلم ایک خاص مسلم آیا جا المسلم ایک خاص مسلم آیا را زید المسلم کیا ترجمہ ہوگا زید نے دیکھا زید نے دیکھا ایک خاص مسلم کو زید من المسلم ایک خاص مسلم سے اب ان جملوں کو تین بار دہرائے میرے ساتھ جا المسلم جا المسلم ایک خاص زید المسلم المسلم سمع زید من المسلم پھر سے جا المسلم المسلم ترجمہ چھوڑیے صرف عربی والا بولیں را زید المسلم زید نے دیکھا ترجمہ نہیں کرنا ترجمہ نہیں کرنا یہاں پہ ہم صرف عربی جملوں کو دہرائیں ترجمہ تو ہم نے دیکھ لیا اب ہم نے اس کو عربی والے جملوں کو دہرانا ہے میرے پیچھے پھر سے شروع کریں جا المسلم رأى زيد المسلم سمع زيد من المسلم جاء المسلم رأى زيد المسلم سمع زيد من المسلم قرآن سے کچھ مثالیں لیں سمیع اللہ سمیع اللہ سنا کس نے اللہ اللہ رفع کی حالت میں آیا اللہ نے سنا آمن الناس آمن ایمان لائے الناس لوگ الناس رفع کی حالت میں آ گیا یقول الکافر کہتا ہے کون الکافر الکافرو سمع اللہ ترجمہ اللہ نے سنا آمن الناس ترجمہ لوگ ایمان لائے یقول الکافر کافر کہتا ہے اب یہ اگلے جملے دیکھیں خلق اللہ الارض پیدا کیا اللہ نے زمین کو الارض مفعول ہے نصب کی حالت میں آ گیا یرفع ابراہیم القواعد القواعد مفعول کی حالت میں آیا بلند کرتا ہے ابراہیم بنیادوں کو عصا فرعون الرسول نافرمانی کی فرعون نے رسول کی تو اب رسول مفعول کی حالت میں ہے اس لیے نصب کے ساتھ آ گیا پھر سے دہرائیں ایک مرتبہ خلق اللہ الارض خلق اللہ يرفع ابراهيم القواعد يرفع الرسول عسى انزل الكتاب نازل کیا اس نے کتاب اب یہ پچھلے جملے جو تھے اس میں دیکھیں خلق الله فاعل الگ سے آ رہا ہے يرفع ابراهيم یہاں بھی فاعل ایک نیا لفظ موجود ہے عصا فرعون یہاں بھی فائل موجود ہے اس جملے میں فائل کیا ہے انزل الکتاب انزل کے اندر جو چھپی ہوئی ضمیر ہے اس کو فائل بنا لی ہے انزل اس نے اتارا الکتاب کتاب انزل الکتاب یہاں رفع والا اشارہ نہیں ہو رہا صرف الکتاب نصب والا انزل الکتاب اس نے اتارا کتاب اطیعوا اللہ یہاں بھی اطیعوا میں جو ضمیر ہے وہ فائل بن گئی ہے جیسے آج ہم نے شروع میں بات کی کہ جب جمع کی بات ہوگی تو پھر ضمیر جب ضمیر فائل ہوگی تو وہ اس کو جمع کی صورت میں لایا جائے گا اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی اگلا جملہ واتقوا النار اور ڈرو آگ سے واتقوا النار ڈرو آگ سے انزل الکتاب اطیعوا اللہ واتقوا النار
और जर की मिसालें ये वही हैं कि बिल्लाही अल्लाह की या अल्लाह से, फिल अर्दी जमीन में, लिल मुस्लिमीना मुसलमानों के लिए, मिनल मुमिनीना मोमिनों में से, बिल्लाही फिल अर्दी लिल मुस्लिमीना मिनल मुमिनीना। इसके साथ हमारा लेसन कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और टाइम भी हमारा पूरा हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेसन कंप्लीट है, हम यहाँ पर अपनी क्लास एंड करते हैं। क्वेश्चंस जो है अगर किसी के हैं तो हम ले लेंगे, लोग अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकअल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी का कोई क्वेश्चन अगर हो तो हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। सर मेरा एक फोन आ गया था जिसकी वजह से ना क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी 10 मिनट के लिए, ये जो आप दोबारा से सारा कुछ बता रहे थे, तो ये रिकॉर्डिंग बहुत देर में भेजी जाती है, अगर हो सके तो 2-3 दिन में भेज दीजिएगा। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग जल्दी आ जाएगी इंशाल्लाह। हाँ जी, हाँ सर, पिछले दो लेसन की पीपीटी नहीं पहुंची है अभी तक। डीवीडी नहीं है वो, पीपीटी वो पावर पॉइंट जो इससे तो रिलेटेड नहीं है, मैंने पूछना था जो हरूफ शमसी और हरूफ कमरी होते हैं कि हम जब पढ़ते हैं व शमसी और वल कमरी, तो ये हमें कैसे फर्क पता चलता है कि इसको हमने व शमसी पढ़ना है और फिर वल लाम पढ़ना है इसमें वल कमरी। ये तो ये जो हरूफ शमसिया और कमरिया हैं ये तो तयशुदा हैं, तो मैं देखता हूँ ग्रुप में या मैं शेयर कर दूंगा, अगर किसी और के पास फौरी तौर पर मौजूद है तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें तो वो आपके उसमें आ जाएगा कि कौन से ऐसे हैं, आपको खुद से भी थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि जब आप पढ़ते हैं किसी भी लफ्ज़ के साथ अल लगाकर तो उसके साथ वाओ लगाकर देखें, आपको खुद ही से वो पढ़ते हुए समझ में आ जाएगा कि इसको अल लाम की आवाज देनी है या नहीं देनी। ये तो तजवीद के रूल्स हैं और तजवीद पढ़ने से ताल्लुक रखती है, तो तजवीद में इसी तरीके से पढ़ा गया वल शमसी, मतलब अरबों ने कहा कि नहीं पढ़ना तो बस नहीं पढ़ना। जी सिस्टर जूनी जी, सर ये मैं इसी तरह G17B में जो आखिरी सवाल है, अब ये देखिए ऊपर के तो 3 लफ्जों में तो फाइल है, ये बाकी अनजलल किताब और ये बाकी लफ्जों के इनके दरमियान में फाइल क्यों नहीं है? है तो सही, जमीर है ना, है सही, अनजला में अंदर हुआ छुपा हुआ है, तर्जमा देखे ना उसने उतारा तो ये उस फाइल है ना, इताअत करो, कौन इताअत करे, तुम सब, तो ये छुपा हुआ फाइल, ज़मीर फाइल आ रही है, और डरो तुम सब। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये बात शुरू में अभी हुई थी ना कि जरूरी नहीं है कि फेल के बाद फाइल जो है वो हमेशा एक नया लफ्ज आए, वो कभी ज़मीर भी हो सकता है, तो यहाँ पर ज़मीर की मिसाल दे दी। ठीक है, ओके सर, काना का जो वर्ड है वो जुमला इस्मिया से पहले हम लगाएंगे या जुमला फेलिया से पहले, यानी क्या फेल से पहले भी काना लगाया जा सकता है या सिर्फ इस्म से पहले ही आएगा? नहीं, फेल से पहले तो काना आएगा ना, लेकिन वो जब आएगा तो वो तो काना को वो क्या कहते हैं वो बना देगा ना, काना के बाद जब फेल आएगा तो वो अगर मुदारे है तो उसको फेल माजी इस्तमरारी में चेंज कर देगा। ठीक है, यानी ये जो रफा और नसब वाले रूल्स हैं ये जब अप्लाई होंगे जब काना इस्म से पहले आएगा? जी, जुमला इस्मिया से पहले जब काना आएगा तो ये रफा नसब वाले रूल्स उस वक्त आएंगे, जब फेल के साथ आएगा ये वाले रूल्स आएंगे तो सही, लेकिन ये किसी 6 की बात है, 5 जाकर बात करेंगे कि उसमें कैसे होगा। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर, एक तो यही सवाल है जो भी सिस्टर को आपने जवाब बता दिया,
दूसरा जरा सा इससे हटके है क्यूसी वन का, सर आपसे पूछना था। सर ये वर्कबुक में ट्रांसलेशन के लिए दिया हुआ अरबी हाउ लाए ला दालून, अब ला अगर हम इसम के साथ लगाते हैं तो वो तो जो है लिए के मतलब में आता है। अब इसमें लिए कि इसमें या तो ये अद्दालून होता तो या तो नहीं, इसकी मुझे समझने के ला दालून कैसे आ गया, तो इसका क्या मतलब करेंगे फिर? ये है, तो ये सब गुमराह हैं, हाउला ये सब गुमराह हैं, ये तर्जमा किया हुआ मैंने। तो ये क्या इसमें ला दालून ये वाला है? हाँ जी जी बिल्कुल। तो ये ला का इसमें क्या मतलब आएगा? चलें मुझे बताएं लफी खुसरिन इसका क्या तर्जमा किया था? इसमें तो सर वो यकीनन वाला आ जाता है, यहाँ भी यकीनन आ जाएगा, यकीनन वाला आएगा बस। ठीक है ये मैं कंफर्म करना चाह रही थी, मुझे शायद उस वक्त पढ़ते वक्त और बात होती, पढ़ाते वक्त फिर बहुत सारी चीजें और तरीके से देखते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपको मैं ज़हमत देती हूँ। सर मुझे ये पूछना था कि हमने ये आयत पढ़ी है आयत नंबर 114, सर इसमें ये लफ्ज़ मसाजिद अल्लाह, ये आपने बताया कि ये जमा मुकस्सर है, तो इससे पहले फेल का आपने क्या बताया था? इससे पहले वाहिद मुअन्नस की फेल वो नहीं, यहाँ मसाजिद अल्लाह में ना वो नहीं था, फेल की बात नहीं थी, वो है ना मना मसाजिद अल्लाही अन युज़्करा फीहा, ये जो हा है ये आ रही है मसाजिद की तरफ, तो जमा मुकस्सर है, इसके लिए ज़मीर वाहिद मुअन्नस आई है। सर इससे पहले जो मना है वो क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ? नहीं अच्छा वो वाहिद मुअन्नस क्यों नहीं आया जी? अभी कह रहे हैं इस फेल का फाइल क्या है, मना का फाइल क्या है, क्या मसाजिद फाइल है? मना रोका, किसने रोका या रोके, कोई शख्स है ना जो रोकेगा, तो इसका फाइल तो हुआ है, तो ये फेल उस वक्त इसके मुताबिक वाहिद मुअन्नस आएगा जब ये इसका फाइल बन रहा हो, यहाँ तो ये इसका फाइल नहीं बन रहा। ठीक है, अगर ये फाइल बन रहा होता तो फिर ये वाहिद मुअन्नस आ जाता, ये फाइल नहीं बन रहा इसलिए वो अपने फाइल के मुताबिक आएगा फिर। जी सिस्टर अफ्सा। सर मैंने पिछले क्लास का लेसन है उसमें से पूछना है, काना और उसकी बहनें जो बताया था आपने कि असबहा और अमसा, इसका मानी यानी हो गया, जैसे अब हमने जुमला बनाया असबहल बैतु कबीरन घर बड़ा हो गया, और इसी तरह अमस बैतु कबीरन, तो दोनों का मतलब एक है, तो हमें कैसे पता चलेगा असबहा इस्तेमाल करना है या अमसा? अच्छा इसमें एक तो ये है कि आपके सामने जो है ना वो सवाल आए, एक तो ये हद है कि कुरान कोर्सेज की, कुरान कोर्सेज में तो जब हम बात करेंगे तो आपसे सवाल जो होगा वो बुक के मुताबिक होगा, आप बुक को देखेंगे और उसके मुताबिक जवाब देंगे, अदरवाइज जब आप बुक से हटकर बात करते हैं तो वहां पर हो गया के लिए आप असबहा इस्तेमाल करेंगे तो ये ज्यादा है, ये ज्यादा इस्तेमाल होता है, और अमसा जो है वो उस खास मौके पर इस्तेमाल करेंगे जहां पर शाम वाला मफहूम जो है वो कहीं ना कहीं उसमें एग्जिस्ट करता हो, चाहे भले थोड़ा सा करता हो लेकिन उस शाम वाला जो है वो मफहूम देना हो तो तब वो अमसा इस्तेमाल होगा, अदरवाइज सिंपली अगर बात करनी है हो गया तो असबहा ही इस्तेमाल होता है ज्यादा। ठीक है, बाकी हमारे इस कोर्स की हद तक की जहां तक बात है तो वहां पर तो जब आएगा तो वो बुक के मुताबिक आएगा, जहां बुक हो बुक में जिस तरीके से आप उसको फॉलो कर लें। ओके जी जज़ाकुमुल्लाह खैरा, कोई और सवाल तो नहीं किसी का? सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानकअल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Thank you.